I just wanted to check who all has joined. Have our members joined? Yes. हमारे मेंबर्स ने ज्वाइन किया है, हमारे बोर्ड हो मेंबर्स ने, नरेश जी आपने ज्वाइन किया है गया, फ्रॉम टीसीपीओ हो गया ना, मैंने ज्वाइन कर लिया है विजय से। ओके सर, ईएम सर, आई एम हियर, आई एम हियर, यस सर, एफएम सर, मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, हाँ मैं हूँ जी। राइट सर, सो वी आर कंप्लीट विद द कोरम सर। विजेंद्र गुप्ता सर आपने ज्वाइन किया है, इसके बाद सर विजेंद्र गुप्ता जी विल बी आल्सो जॉइनिंग, आई हैव ऑलरेडी सेंट हिम द लिंक एंड ही सेड ही विल बी जॉइनिंग, बट इन द मीन टाइम सिंस द कोरम इज कंप्लीट आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ इंक्वायरी एंड हियरिंग। सो एज पर द स्लॉट्स अलॉटेड, I'll just take the names of the people who have been allotted the slot. So this public hearing is with regard to the public notice DBA had issued on 25/5/2021 aur jiska period over hua tha 45 days ka 8 July ka. This is regarding additional development control norms for land pooling areas. Land pooling policy ke antargat ye cover hoga chapter 19 of master plan 2021. हमारे पास फर्स्ट स्लॉट में 10:30 से 11:15 के स्लॉट में हम लोगों ने जो 20 नंबर्स का दिया, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द नेम्स ऑफ द पीपल, इफ दे आर देयर दे कैन स्टार्ट प्रेजेंटिंग। आई आल्सो हैव अ रिक्वेस्ट टू द पीपल हु हैव जॉइंड, प्लीज आप अपना जिनका नाम लेते हैं सिर्फ वही रखें ऑन अपना माइक, बाकी म्यूट कर लें प्लीज। हमारे प्रतिनिधि जिन्होंने अपनी ऑब्जेक्शन सजेशंस दी हैं, उनमें से जो पहला नाम है वो हमारे पास सोसाइटी स्कैम के नाम से ईमेल आई थी, अगर कोई उसको प्रतिनिधि है इस ईमेल का जो आए थे वो अगर कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं तो प्लीज आई रिक्वेस्ट देम। I move on to the next one. Amit Rana ji. Amit Rana ji, agar aapne join kiya hai to aap. Hello. Amit Rana ji. रघुनंदन चौहान, आपने अटेंडेंस नहीं ली है। रघुनंदन चौहान, पवित शौकीन के नाम से दो हैं, चार नंबर और पांच नंबर पे, पवित शौकीन, रामचंद्र, हरि कृष्ण यादव एंड धर्म सिंह। गुड मॉर्निंग मैडम, आई हैव जॉइन माय सेल्फ हरि कृष्ण यादव, कृष्ण हरि कृष्ण यादव जी। Yes. Yeah, madam, good morning. हाँ, हम आपको सुन पा रहे हैं, आपकी रिटर्न हमारे पास ऑब्जेक्शन सजेशन आई हुई है, उसके अलावा अगर आप कुछ भी हमें अवगत कराना चाहते हैं बताना चाहते हैं प्लीज। हमारे बोर्ड के चेयरमैन, हमारे बोर्ड के मेंबर्स सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा कोरम पूरा कम्प्लीट है, आप बता सकते हैं। जी मैडम, आई विल एक्सप्लेन ऑल। हेलो यादव जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, प्लीज आप बोलिए। मैम, मेरा जो इसमें जो मैंने सजेशन दिया आपका, जो आपने सजेशन मांगे थे, पैरा वाइज दिए मैंने सजेशन। सबसे पहले मेरा 951 है, जिसमें एफआरए का कहा है, एफआरए जो है मैडम अगर 400 कर दिया जाए तो बेटर होगा, क्योंकि किसान को उसमें बहुत कम जमीन मिलेगी। 200 एफआरए में 2300 स्क्वायर मीटर की बजाय उसको 1100 स्क्वायर मीटर मिलेगी, अदरवाइज तो बेटर होगा। दूसरा ये है कि जो आपने प्लॉटिंग का किया है वो बहुत बढ़िया सुझाव है, जो प्लॉट दिया है किसानों को वो बढ़िया है, और डी भी बनने जा रही है, डीडीए, वो भी अच्छी बात है। अब मेरा इसमें सुझाव ये है, अगर हम किसान लोग सारे मिलकर के डीडीए को डीई बना दें तो बेहतर होगा। हमें इसमें डीडीए का कोई एतराज तो नहीं है, वो हमें बताया जाए, क्योंकि एक डी बनेगी तो कंसोर्शियम को ट्रीट करने में फायदा होगा किसानों को, और किसानों में फेथ होगा, डीडीए में फेथ होगा किसानों का। डीडीए ने कहा है कि ग्राम स्वास्थ्य जमीन भी पूल, तो इस बात में हमें कोई इतराज नहीं, पूल करे जमीन को, लेकिन उसका प्रयोग जो है वो गांव की यूटिलाइजेशन के लिए किया जाए, ताकि जो है गांव की सहमति से पहले भी होता है उसका यूटिलाइजेशन, और डीडीए भी उसी तरह से प्रोसेस करे जैसे संविधान में लिखा हुआ है,
संविधान में साफ डिफाइन किया ग्राम सभा लैंड, ग्राम सभा लैंड मीन्स लिविंग फैमिली ऑफ द विलेज एज पर इलेक्ट्रिक रोड। तो हमारे यहाँ पंचायत नहीं, सेक्टरी भी हमारे से जो भी जमीन ट्रांसफर करता था वो जो है डीडीए गांव के गांव सभा से पूछ के करता था। मैम एक सजेशन और है हमारा इसके अतिरिक्त, अगर इसमें जिन लोगों ने पूल की है जमीन, ये एडिशनल है मेरा सुझाव इसी में, उसका रेट सर्कल रेट अलग हो, जिसने पूल नहीं किया उसका अलग हो, ये स्कीम अपने आप धरातल पे आ जाएगी। मैं इसमें दोनों तरफ देख रहा हूँ, किसानों का भी फायदा है और डीडीए का भी फायदा है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं लगेगा इसमें, ये सबसे बढ़िया सुझाव है। अगर धरातल पे विद इन ए नीति के तहत मैं पॉलिसी में बदलाव डीडीए के अधिकार के क्षेत्र में है, इसमें जो है डेवलपमेंट एक्ट में संशोधन करने की जरूरत नहीं है, अगर इस पॉलिसी को और आगे जल्दी से जल्दी बढ़ाना है। मेरा मानना यह है जिन लोगों ने पूल कर दी है उसका सर्कल रेट मैंने पहले भी सुझाव दिया 5-6 करोड़ के करीब कर दिया जाए, जिसने नहीं किया है उसका बिल्कुल कम रखा जाए, ये तो अपने आप शुरू हो जाएगी, धरातल पर आ जाएगी। दूसरा एक लाइसेंसिंग प्रणाली और इसमें लागू कर दो आप प्लीज, मेरा आपसे नम्र निवेदन है, अगर वो हो जाए तो एक सेक्टर में काम जो सेक्टर नजदीक आ गए हैं वो शुरू हो जाएगा काम उसमें। वो कैसे, दो एक कंसोर्सियम के लिए डिफिकल्टी आएगी, टीम तो आप बन जाएंगे, हम आपको बना देंगे सारे लोग मिलकर के एक सेक्टर में, लेकिन उससे आप एग्रीमेंट करेंगे तो किसान जो है उस पे नहीं करेगा डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह, ना ईडीसी देगा, क्योंकि उसका तो कुछ फायदा नहीं होगा, तो उसमें आप लोगों की डिफिकल्टी ना हो, एक लाइसेंस मिलेगा 25 हेक्टेयर का तो उसमें कवर हो जाएगा, कंसोर्सियम एक रहे लेकिन उसमें लाइसेंस चार कर दिए जाए 25-25 हेक्टेयर या 50-50 हेक्टेयर के हिसाब से। दूसरा इसमें यह है साहब, अगर हम इसमें कमर्शियल या कायमी जमीन को मान करके उसमें एक डेवलपमेंट चार्जेस हटा दिया जाए तो बहुत ही बेहतर होगा, और गांव सभा की जमीन का यूटिलाइजेशन गांव के साथ साथ हो तो भी बेहतर होगा। वो स्टीम ड्यूटी है कि दफे जो है ली जाए उस स्टैम्प ड्यूटी वही देगा जो परचेज करेगा, किसान नहीं देगा जी स्टैम्प ड्यूटी, तो ये छोटी छोटी बात उसी में कवर हो जाएगी जैसे आप सर्कल रेट का करोगे कवर। मैम इसमें एक सुझाव और है हमारा, जो गांव का पैसा है, गांव का पैसा आपके पास चला गया है, जमीन आपके पास ट्रांसफर हो गई है डेवलपमेंट की, जैसे अभी आपने तालाब के हमारे क्षेत्र में टेंडर छोड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया काम किया, उस पैसे का प्रयोग गांव के हित में हो, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, काइंडली नोटेड माई मेन पॉइंट इसमें ये है कि उस पैसे का उपयोग डीडीए गाँव के विकास के लिए करे, न कि किसी और में, कभी ऐसा ना हो कि उसको कहीं और ट्रांसफर कर दे तो वो ठीक नहीं है। गांव का पैसा पहले भी गांव से वीडियो वगैरह गांव से पूछ करके उस गांव के हित में करते थे, ना कि रोड में, बिजली में, वो हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, वृद्धाश्रम। जी मैम मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने बहुत सारे सुझाव दिए, सुझाव तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारा जो पब्लिक नोटिस है और जो बोर्ड का जो दायरा है वो सिर्फ सीमित है आज का पब्लिक नोटिस के अंदर, तो जो पब्लिक नोटिस में है उसको तो हम कंसीडर कर सकते हैं, जैसे आपने गांव सभा लैंड वगैरह के बारे में बोला, लेकिन बाकी जो सुझाव है वो जनरल पॉलिसी को रिलेटेड है, वो बोर्ड के परव्यू से बाहर है। तो आपकी रिटर्न सबमिशन हमारे पास है, वो हम उनको कंसीडर कर चुके हैं ऑलरेडी, और आपने जो बोला वो भी बोला, लेकिन जो पॉलिसी के दायरे से बाहर है उस पर हम कुछ खास कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप दायरे जी पॉलिसी के दायरे में बोल रहा मैडम, जो प्लॉटिंग का पैरा नंबर 5(2) में आपने डी कहा कि डी बनेगी डीडीए, डीडीए विल पूल द लैंड ग्राम सभा। आप आज के पब्लिक नोटिस के बारे में सीमित रहिए ना सर, पब्लिक नोटिस के बारे में, पब्लिक नोटिस जो हमारा इशू है जिसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, 25-5 का पब्लिक नोटिस, हम स्पेसिफिकली ये बोर्ड उसी के लिए कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। मैंने ये सुझाव दिया आपको, मेरे पास लेटर है, इसमें साफ लिखा है जो है आपने प्लॉटिंग का दिया है, अगर डीडीए जो प्लॉटिंग करके दे रही है किसानों के वो अच्छी है, और पूल कर रही है वो भी अच्छी बात है, और डी बन रही है वो भी अच्छी बात है, हम डीडीए का इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत जरूरी है, हम सारी डी मिलकर के डीडीए को डी छोड़ देंगे मैडम, मैंने जूडिएशन से बात तो बात नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा आप कुछ बोलना चाहते हैं? इसके अलावा मैडम एक छोटा सा और है हमारा, हेलो जी बोलिए प्लीज मैडम, इसमें जो आपने लिखा है ना पैरा नंबर 3 में, पैरा नंबर 3 में अगले डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो उसी तरह से रहेगा, उसमें कम बत्ती तो इस जुडिशियन में कवर होता है मैडम, यू कैन डू इट। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू कृष्ण यादव जी।
नेक्स्ट पर्सन इज ओम दत्त. एक्सक्यूज मी वन सेकंड मैम, वी आर 3% वन आवर प्रेसिडेंट इज हियर देन यू टाइप की चीजें. तो आपके पॉइंट्स तो सेम है ना जो आपने प्रेजेंट किए हैं. तो हमने तीनों को रामचंद्र जी, हरि कृष्ण यादव और धर्म सिंह तीनों को ही मार्क किया है. उनमें से एक प्रतिनिधि ने बोलना था वो आपने बोल दिया और आपके पॉइंट्स हमने नोट कर लिए हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट चलिए ओम दत्त जी. ओम दत्त जी आपने ज्वाइन किया है तो प्लीज आप बोल सकते हैं. मोनू लुहानी वाल सीरियल नंबर 8 पे. राजेश गर्ग जी सीरियल नंबर 9 पे. पंकज डुगर जी सीरियल नंबर 10. विजय रिजबुत जी सीरियल नंबर 11. सर हैव यू जॉइंड? यस आई एम हियर. प्लीज कैन यू हियर मी? यस सर, वी कैन हियर यू सर. यस सर, वी कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर सर. या गुड मॉर्निंग. आई हैड ऑलरेडी गिवन माय पैरा वाइज ऑब्जेक्शन सजेशन, बट हियर आई वांट टू एम्फसाइज ऑन 3 मेजर पॉइंट्स. फर्स्ट इज माय बेसिक ऑब्जेक्शन इज टू दिस modification in the policy altogether. See, you had a policy announced in 2018. There is no evidence or there is no feedback why this policy is not getting implemented as it is what was notified in 2018. Now, to me, this is a kind of an ad hoc modifications without seeing the implementability and applicability of 2018 policy. See, this is what become a kind of a, I am seeing a kind of a practice. 2013 policy was made without implementation and without any its applicability on the ground. It was modified 180 degrees in 2018. 2018, without its implementation on the ground, it is again being modified in terms of FAR for public, semi-public, FAR for industrial, switching of the areas of commercial and institutional, and clubbing the areas with another sector. See, first you said you distributed these city level facilities because every sector should have a distribution of city level facility. Zonal plans had a special distribution of these facilities. But 2018 policy said that no, there has to be distribution in every sector. Now again, you are rethinking back that though there has to be now a clubbing between two sectors or three sectors. See, unless and until you implement it, my suggestion is put it on hold, these modifications. First, implement the 2018 policy as it is, and then see where it is needs to be changed. This is number one. Number two is, in this particular policy, you had suggested that the layout plans for the sectors will be approved pending the modifications in the zonal development plan. Now, this is contrary to the provision and contradictory to the provisions of the master plan, development control chapter. See, what you write, even in the 2041 plan, the zonal plan shall form a link between the layout plan and the master plan. The development schemes and the layout plan indicating various uses and use premises shall conform to the zonal plan and the master plan. See, as a developer will be very happy to find without any modification in the layout plan, in the zonal plan, you have approved our layout plan. But will it stand the test of law? That is my question. Will it stand the test of law? See, in case of KVTDS scheme in Raipur, the Supreme Court had turned down the entire proposal just because the zonal development plans were not modified and the layout plans approved were not in conformity with the zonal development plan. So kindly take this part into account. I think zonal development plan is a spatial distribution of the various facilities, city level facilities. It has got a special calculations about the infrastructure, provision for the infrastructure and everything. If you do this sector by sector, I think we will fail at the zonal level about the spatial distribution of these facilities.
This is number two. Number three, in this policy, you had a chapter on TDR. Now, in the master plan which has been notified, this TDR chapter, this TDR point has been removed from this land pooling policy. Now, I don't know whether we want to see, whether we want to again give the public objection suggestion based on the master plan and how you have made this change in the, again, in that in the master plan. See, this particular TDR ka point, jo hai, which was added before the vertical mixing, that has been removed now in the master plan. So, I don't know whether there are some other omissions are also there in the fine print, which I had not really seen line by line. But these are my three basic major objections. And the fourth is, now DD, earlier in 2013 policy, the whole rights for the DE were given to the DDA only. Now, DDA did not wanted to come into picture for planning this area. So they gave it everything to the in the private hands. And now again, the DDA is suggesting that we can become the developer entity. See, being developer entity by the DDA is a conflict of interest with the DDA as well as the private developers. See, you are a plan sanctioning authority. You are a plan policy making authority. And you are a developer entity also. How this whole thing can work together? There is a complete kind of a discord between the two. So this is what I want to suggest. And thank you very much. Kindly make it ensure that without any feedback on the ground, don't make changes in the policy. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. I'll request people who are not. माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज आई जस्ट रिक्वेस्ट की हुज वी कांट प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बिफोर यू आर सेइंग समथिंग हूएवर हैज अनम्यूटेड देमसेल्फ प्लीज ओके सो वी गो ऑन टू द नेक्स्ट दिस थिंग चेतन शर्मा जी आर यू देयर विद अस Then you can present your objection suggestions, please. Can you hear me? Yes, please. Can you? I have submitted the following submissions that my mother is a senior citizen, and I've also submitted in written as well. These submissions are also in there in written. Ma'am, this policy was notified in 2017. Thereafter, in 2018, and thereafter, we came to know that 70% of the land has to be pooled. Then we came to know that master plan has been merged, 21 is merged with 2041. Then we heard about a lot of tweets. So we have no clue where we are today. We don't know what to do. They have been notified whether we have to do the this construct, whether this land can be used in urban or in rural. So can you give an idea being a आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए आई जस्ट वॉन्ट टू गिव द क्लैरिफिकेशन प्लीज आप सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए नहीं तो वो इको होती रहेगी और हम किसी को ठीक से सुन नहीं पाएंगे हाँ जी हाँ जी चेतन जी सबसे पहले आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग जो आज का पब्लिक नोटिस है वो जो पॉलिसी में जो संशोधन है या जो एडिशनल चेंजेस हैं वो मास्टर प्लान 2021 के अंतर्गत हैं तो इसमें कंफ्यूजन का कोई वो नहीं है ये 2021 के अंदर चलता रहेगा जब तक जो मास्टर प्लान नोटिफाइड होता है वही लागू होता है लीगली तो आज की डेट में 2021 चल रहा है तो लीगली वही लागू होगा जिस दिन आई एम सॉरी प्लीज यू विल हैव टू म्यूट योरसेल्फ बिफोर वी कैन टॉक एंड वी कैन मेक आवरसेल्फ्स क्लियर मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है
आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। मेरी आवाज नहीं आ रही है? हमने तो ऑन करके रखा है। अब अभी आई है, अभी शुरू, अभी 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 आना शुरू हुआ मैम। मेरा पॉइंट मैम, मेरा पॉइंट ये है, एक और मुझे क्वेश्चन पूछना था आपसे, क्या ये 2021 का जो मास्टर प्लान है, 2021 भी खत्म होने जा रहा है, तो क्या ये एक्सपायर हो जाएगा 2021 का प्लान? क्योंकि मैम वहां पर तो कमर्शियल एक्टिविटी, वहां तो कमर्शियल एक्टिविटी अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो वहां तो बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी शुरू हो चुकी है, वेयर हाउसेस डेवलप हो चुके हैं। एक सेकंड प्लीज चेतन, चेतन जी आप मुद्दे से डाइवर्ट हो रहे हैं। यस मैम, आप प्लीज पब्लिक नोटिस को स्टिक करिए, जिस तारीख तक जो प्लान नोटिफाइड होता है वो वही लागू होता है। सिर्फ 2021 खत्म होने से ही मास्टर प्लान अपने आप एक्सपायर नहीं हो जाता है, तो इसलिए आप अपना निश्चिंत होकर अपनी जो भी सजेशंस इस पब्लिक नोटिस के अंदर देनी है वो आप दीजिए, और अभी आपको फिक्र करने का जरूरत नहीं है। 2041 अभी लागू नहीं हुआ है, जब लागू होगा तब देखा जाएगा, अभी आप इसके अंतर्गत दीजिए प्लीज। थैंक यू। मैम आपसे ये पूछना था, जैसे आज हमें बिल्डर्स अप्रोच कर रहे हैं लैंड पूल करने के लिए कि या कुछ इसका इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, तो हमें वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमको ग्राउंड लेवल पे सबके इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, इतना केओस, इतना इंपल्सिव हो रहा है सब कुछ कि पता ही नहीं लग रहा करना क्या हमको। आपके सामने पॉलिसी है, आपके सामने हमने जो संशोधन किया वो है। अगर आपको पर्टिकुलरली बिजनेस डिसीजन तो आपका रहेगा ना, उसको तो मैं नहीं बता सकती। और दूसरी चीज, ये सेशन जो है ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, आप काइंडली अपना इस संशोधन के हिसाब से जो आपकी ऑब्जेक्शन सजेशन है आप उसको रेज करिए। आई थिंक चेतन जी आपका शायद हो गया है, तो नेक्स्ट आई विल मूव ऑन टू भूपेंद्र बजाज। क्यों सभी को पहले कर वीसी साहब भी शायद लाइन पर इसमें मेरी बात आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? मैं बाकियों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लोगों को बाकी म्यूट रहे प्लीज। आप सभी का, डीडीए के अधिकारियों का, मंजू पॉल जी, वीसी साहब भी हैं, लीनो मैडम जी, अरविंद जी, आप बहुत मेहनत से इसके ऊपर काम कर रहे हैं और काफी टाइम से इसके ऊपर वर्किंग चल रही है, मगर कुछ कमियां हैं या कुछ दिक्कतें ऐसी हैं जो हम लोग इसको ग्राउंड पर नहीं लेके आ पा रहे। जो अभी ऑब्जेक्शन सजेशन लेकर आए हैं हम लोग, इसके अंदर ये पूरी की पूरी रिपोर्ट हमने रिसर्च रिपोर्ट बनाकर पहले जो वीसी साहब थे, अनुराग जैन जी भी और उनसे पहले भी थे, उन सबको हमने दी थी 2019 में। ये हमने लास्ट रिपोर्ट दी थी, जो आपने अभी ऑब्जेक्शन सजेशन मांगे हैं उनके ऊपर एक डिटेल रिपोर्ट बना के दी गई थी, मगर जो 3 साल पहले 4 साल पहले 2018 में भी दी थी उसके ऊपर जो आज चेंज किए जा रहे हैं, जो आज सजेशन टाइम पर अगर हम उसको कंसिडर कर लेते तो आज हमारे को ये जो टाइम अभी विंडो हमारे को 2018 से लेके बनने के बाद से 2021 आ गया है और अब तक वो हम ऑब्जेक्शन सजेशन में ही घूम रहे हैं, तो वो ये इतना टाइम हमारा वेस्ट नहीं होता। बिल्कुल लगभग उसी तर्ज पर ये सारे ऑब्जेक्शन सजेशन आए। मेरी रिपोर्ट आप उठा के 2018 की देखेंगे और आज की देखेंगे, तो मेरा मानना है कि अभी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करने का टाइम है। जो कुछ कमियां दिक्कतें अभी आ रही हैं वो उन कमियों को तो हमने अब गिनना छोड़ दिया है। कारण ये है कि अब पॉलिसी के हम इसी खेल में लगे हुए हैं कि अब ये कमियां दूर करें, अब ये कमियां दूर करें, अब इसको एक सिरे से हमारे को ग्राउंड पे दिखाने की जरूरत है। इतनी हताशा, इतनी निराशा लोगों में उत्पन्न हो गई है, चाहे किसान हैं, चाहे बिल्डर हैं, चाहे व्यापारी हैं, जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट कर रखा है, तो अभी हमारे को कुछ करके दिखाने का टाइम है। और ये साल 2021 मेरे को आशा है कि जो हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोग इतनी मेहनत से इसके ऊपर जुटे हुए हैं, तो इसको थोड़ा सा लगता है कि इस साल में 2021 में हमारे ग्राउंड पे कुछ सेक्टर्स, 3 से 4 सेक्टर आप लोग लेके आएंगे,
और जिससे कि पूरी दिल्ली को लगे कि हाँ यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट होगी, नहीं तो लोगों में इतनी हताशा है कि वो कहते हैं कि ये करना ही नहीं चाहते भैया। उनको कैसे अब 10,000 एकड़ जमीन, 10,000 हेक्टेयर जमीन के आसपास हम लोगों ने पूरी मेहनत करके आप लोगों के साथ जा जाके हमने लैंड पूलिंग में रजिस्टर करवाई, मगर अब उनको मेरे को हम लोगों को जवाब देना कैसे कैसे जी। भूपेंद्र जी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप काइंडली आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन काइंडली अगर आप अपनी कॉन्वर्सेशन जो है वो आज के पब्लिक नोटिस के संदर्भ में सीमित रखें तो इट विल बी गुड फॉर अस, क्योंकि बोर्ड का तो जो मुद्दा है बोर्ड तो उसी को सुन सकता है जो पब्लिक नोटिस है, तो आप उसके संदर्भ में अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं सर तो प्लीज। मंजू जी मैं उसी के संदर्भ में बोल रहा हूँ कि ये पब्लिक नोटिस जो आया था ये हमने इसके लिए पहले दी हुई है, मगर उसको कंसीडर करके हमें ग्राउंड पे लेके आना है, और ग्राउंड पे लेके आने के लिए हम इतने कीन हैं कि आप जैसा कहें जिस तरह से कहें वो हम लोग हर तरीके का सपोर्ट देने के लिए हर गांव में जाके सपोर्ट देने के लिए तैयार है, मगर इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अभी हमारे प्रेजेंट सीटिंग में ये चीजें इम्प्लीमेंट कैसे होंगी, बोर्ड के सामने तो रख दी हमने मगर ये इम्प्लीमेंट ही नहीं होंगी तो इसका कोई हमारे को किसी को भी फायदा नहीं होगा पूरी, ना तो डीडीए को होगा ना सरकार को होगा ना किसानों को होगा ना व्यापारियों को होगा, तो इम्प्लीमेंटेशन इज द की। और जो बात कर रहे हैं कि हम इसके संदर्भ में ही सिर्फ इसी से बाहर ना जाके, मैं इसी के अंदर बात करना चाह रहा हूँ, तो आप सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें, कैसे हो सकती है अभी पॉलिसी के अंदर, अभी हमारा प्रेजेंट में सीटिंग जो लैंड पूलिंग कमिश्नर हैं उनको ड्यूल चार्ज है उनके पास, वो दो दो देख रहे हैं, उनके लिए डेडिकेटेड टीम होने की जरूरत है। डिप्टी कमिश्नर हैं चंद्रशेखर जी थे, उनको रिलीव कर दिया गया, अभी उनकी सीट खाली पड़ी हुई है, तो ये इम्प्लीमेंट बोर्ड ये बोर्ड को करना। सर आपका पॉइंट वेल टेकन, आई थिंक यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्लीमेंटेशन इज द की टू सक्सेस, आपका पॉइंट बिल्कुल इज वेल टेकन प्लीज। और इसमें जो मेन दो मोटे मोटे से पॉइंट आपको मैं कंसोर्शियम का इसमें आपने कहीं जिक्र नहीं किया है, इसमें प्लीज एड ऑन कंसोर्शियम को थोड़ा आसान बनाया जाए, कंसोर्शियम को हटाने की बात नहीं कर रहे, एक और सारी चीजें आपने वेल टेकन की है अंडरस्टैंड की हुई है, और जो अमेंडमेंट इसमें लैंड पूलिंग में होना है वो भी आप लोगों ने कंसीडर करके मंत्रालय भेजा हुआ है, बस उनको ग्राउंड पे लेके आना है। तो एक कंसोर्शियम के अंदर इसमें क्या है कि कंसोर्शियम इसके छोटा सब कंसोर्शियम बना दिए जाए, वो मैंने लिखे भी दिया हुआ है और पहले भी कई बार उस प्रेजेंटेशन दिया, कंसोर्शियम के अंदर 500 एकड़ का सेक्टर है तो उसमें छोटे छोटे कंसोर्शियम बनाए जाए, सब कंसोर्शियम बना दिए जाए, मगर उसको इम्प्लीमेंट करने रोड्स और जो बेसिक अम्यूनिटीज है वो डीडीए अपने हाथ में लेवे स्टार्टिंग के अंदर। बाकी तो मैम जो पूरी रिटर्न प्रेजेंटेशन है उसके अंदर सारी चीजें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको तो सबको यहाँ पर बोलने का फायदा नहीं, और सभी भाई लोग भी बोल रहे हैं, तो प्लीज इस चीज को इम्प्लीमेंटेशन और ये जो जरूरी चीजें हैं टाइमली हम उनको कर देंगे तो सभी का भला होगा, पूरी दिल्ली इसके अंदर फायदेमंद होगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद जी। सुरेश गर्ग जी, मैंने अभी ज्वाइन किया हम लोग, आई एम सॉरी सुरेश गर्ग जी बोल रहे हैं, ओमदत बोल रहा हूँ मैडम, ओमदत ओमदत, मैंने अभी ज्वाइन किया, लेट हो गया था मैं, माइक ऑफ कर दी थी। ओमदत यादव जी आप अपना माइक बंद कर लीजिएगा आपका। हाँ उसको नंबर 7 पे हैं, वो कह रहे हैं लेट ज्वाइन किया उन्होंने। हाँ जी तो आप प्रेजेंट कर सकते हैं, बताइए ओमदत जी प्लीज। हाँ मैडम, जो आपने ये लैंड पोलिंग पॉलिसी बनाई है इसमें 99% किसानों के पास 5 एकड़ जमीन को नहीं है मैडम, अब वो इसके अंदर कैसे शामिल होंगे? हेलो जी ओमदत जी, आपने जो रखना है हमारे समक्ष जो रखना है अपना, आप कृपया उस पे बताइए पब्लिक नोटिस के आधार पे आप क्या बताना चाहते हैं। मैं बता देता हूँ मैडम, ये 5 एकड़ की जो 5 एकड़ की शर्त रखी गई है लैंड पूलिंग में, किसानों के पास 5 एकड़ जमीन नहीं है, इसको हटाया जाए। दूसरी बात यह है किसान 40% जमीन फ्री दे रहा है तो फिर वो 2 करोड़ ADC चार्ज क्यों देगा मैडम, इसको भी हटाया जाए। और ये कस्टोडियम है ये हटाया जाए, सीधा DDA कर सकती है इस काम को, तो जमा करके लोगों को दे सकती है प्लाट वगैरह के अंदर जो भी है, ये कस्टोडियम भी नहीं, ये हमें तो पसंद आया नहीं, कस्टोडियम को भी हटाया जाए मैडम।
और ये किसान है जो किसानों के पास है जमीन, ये किसी के पास एक एकड़ है, किसी के पास दो एकड़ है, आजकल भाई भाइयों की बनती नहीं तो कौन समूह बनाएगा, पांच एकड़ कैसे कर सकते हैं, इसलिए पांच एकड़ की शर्त तो ये कामयाब होगी नहीं मैडम। इसके अंदर सबसे मेन समस्या तो ये आ रही है पांच एकड़ की, इसलिए पांच एकड़ सर हटाना बहुत जरूरी है। अमदद जी आपको मैंने पहले भी कहा था, आपकी हम रिटर्न सबमिशंस देख लेंगे, आज जो हम डेलीब्रेट कर रहे हैं वो पब्लिक नोटिस के ऊपर कर रहे हैं, ना कि बेसिक आप जिन इश्यूज को रेस कर रहे हैं वो मूल आधार पॉलिसी के ऊपर है, वो आज का मुद्दा नहीं है। तो ठीक है, थैंक यू। जो आज का समय एफआईआर का भी तो है ना मैडम। मंजू जी इनको बता दें कि ऐसी कोई हमारी शर्त नहीं है कि पांच एकड़ चाहिए, कितनी भी भूमि आपके पास है आप उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन विकास के लिए लाइसेंस तो नहीं ले सकते ना। वी वांट टू आंसर देयर क्वेश्चंस, अदर इट बिकम्स अ क्वेश्चन आंसर सेशन, वी वांट देम व्हाटएवर ऑब्जेक्शंस दे हैव टू द पर्टिकुलर पॉलिसी, ताकि वो हम उनको सुन सकें एंड सूटेबली अपनी पॉलिसी जब हम वापस अथॉरिटी के पास लेके जा रहे हैं उसमें हम वो कर पाए संशोधन, अगर जरूरत है तो हम वो करें। तो मैडम एफआर 400 का पहले 400 किया जाए, 200 क्यों कर रखे हैं जी। ओमदत जी आपकी बात क्लियर है, आपने ये रिटर्न में भी दिया हुआ है, हमारे पास ये कागज है, थैंक यू जी, शुक्रिया, थैंक यू जी। मिस्टर सुरेश गर्ग जी, हाँ जी ऐसा है, सुरेश गर्ग जी आपने ज्वाइन किया है तो प्लीज आप, ओमदत जी आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, शुक्रिया आपने अपनी सजेशन हमें दी। सुरेश गर्ग जी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। देवेंद्र आर्य, देवेंद्र आर्य जी, जितेंद्र डबास सीरियल नंबर 16, वीएस यादव सीरियल नंबर 17। हेलो, यस प्लीज, मैं वीएस यादव। हेलो, हाँ जी प्लीज बोलिए सर। सर आप अपने आप को अनम्यूट करिए और अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए और बोलिए प्लीज। मैम मेरा कुछ छोटे छोटे सजेशन है। आप कौन बोल रहे हैं सर? अपने आप कृपया अपना माइक ऑन करिए, आपने अपना माइक बंद कर लिया है। जी यादव जी बताइए, मैं यादव जी अपना माइक ऑन करके बताइए, आप ऑन और ऑफ कंटिन्यूअसली करते जा रहे हैं, अपना माइक ऑन रखिए और बात करिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। आई थिंक वीएस यादव जी इज हैविंग एन इशू, वी कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। जितेंद्र यादव जी नमस्कार, आप जितेंद्र यादव जी बोल रहे हैं? है मेरा प्लीज जितेंद्र यादव जी प्लीज या बोलिए। सर आई डोंट थिंक इट बी पॉसिबल फॉर अस टू शेयर द स्क्रीन, यू कैन, यू हैव ऑलरेडी गिवन योर रिटर्न सबमिशंस, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू क्विकली ब्रीफली इफ यू कैन टेल व्हाट योर ओरल सबमिशंस आर, बिकॉज़ रिटर्न हमारे पास और। सर यादव जी हम आपका प्रेजेंटेशन आप हमें मेल कर दीजिए, हम अभी इस पे शेयर नहीं कर पाएंगे। आप ही भी ओनरशिप, हाँ जी प्लीज बोलिए सर।
यादव जी, हमें आपका पॉइंट इज वेल टेकन, हम अवगत हैं इस बारे में। वो जी वो आप हमें मेल कर दीजिएगा, अभी आपके पास मेल आईडी है। हम इस मीटिंग के बाद आपकी जितनी भी जो आपने प्रेजेंटेशन बनाई है हम उसको ऑन रिकॉर्ड ले लेंगे। सर आपका पॉइंट इज वेल टेकन सर, या वो आप नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करिए। गांव सभा का लैंड क्लियर हो गया। Yes, sir, we'll do that. Next, sir. Yes, sir. Anything else, sir? Yeah. सर मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, आप प्लीज पब्लिक नोटिस तक सीमित रहिए, आप ऑफिस ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेटिव पे मत जाइए, क्योंकि हमें जरूरी है ये जानना कि आप पब्लिक नोटिस के संदर्भ में क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज
Thank you very much. Thank you for your suggestions. Next is Mr. Devendra Kumar. Yes, madam. Devendra Kumar ji bol rahe hain. Yes, I am representing from the Resident Welfare Association in place of Devendra Kumar. जी प्लीज सभी को मेरा सादर प्रणाम और सबसे पहले तो मेरी ये रिक्वेस्ट है जी ये जो इंक्वायरी के लिए सजेशन ऑब्जेक्शन के लिए ये आज मीटिंग रखी गई है ये बहुत ही कम टाइम लोगों को मिल पा रहा है प्रेजेंटेशन दे नहीं पा रहे और इसके लिए एक प्रॉपर सेमिनार अरेंज करके और प्रॉपर टाइम दिया जाता सभी को बोलने का वहाँ प्रॉपर जो है ना जो इसमें मेजर खामियां हैं पहले जैसे भूपेंद्र जी बराड़ जी ने भी कहा रेजवड़ जी ने भी कहा और बाकी डीडीए को भी पता है कि ये धरातल पे नहीं उतर रही है इसके बारे में हम दो साल से लगातार रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं उन पर तो सुनवाई हो नहीं रही लेकिन ये मॉडिफिकेशन जो आए हैं इनका कोई मतलब नहीं है इसका इम्प्लीमेंटेशन से ये तो इम्प्लीमेंटेशन इससे भी हो सकती थी लेकिन फिर भी दायरे की बात हो रही है तो उसमें मैं कहूँगा कि आपने जोनल प्लान तो पब्लिश किया ही नहीं सेक्टर प्लान पब्लिश नहीं किया आप इसमें कह रहे हैं रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन इन द जोनल डेवलपमेंट प्लान विल बी बेस्ड ऑन द अप्रूव्ड तो जब जोनल प्लान को जब तक आप पब्लिश नहीं करोगे सेक्टर प्लान कैसे इसका वो होगा सबसे पहले तो मेरा ये सबमिशन है कि जोनल प्लान DDS को जो है ना पब्लिश करे तभी तो आगे कोई कार्रवाई होगी नेक्स्ट जो है जी 50% जो ना EWS का आपने प्रपोज किया है इसमें अपार्टमेंट ओनर्स को और रेजिडेंट्स को विद इन द न्यू सेक्टर गांव में लैंडलाइन पर्संस हैं भूमिहीन हैं वो भी EWS से कैटेगरी में आते हैं इसमें प्रायोरिटी दी जाए उनको गांव की जमीन गई ग्राम सभा की गई लैंड ओनर्स की गई तो गाँव के जो भूमि EWS की कैटेगरी में जो गाँव जो मेम्बर्स आते हैं कम से कम उनको प्रायोरिटी पे EWS के मकान दिए जाए ना कि अपार्टमेंट ओनर्स और रेजिडेंट्स को इसमें जो है ना आप मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो मेरा ये सबमिशन है इस पॉइंट को कंसिडर किया जाए कि रेजिडेंट्स जो मूल गांव के EWS कैटेगरी में आते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है जो अपना रोजी रोटी ठेले पर बेच कर रहे हैं प्रेस से कर रहे हैं तो उन लोगों को जो है ना EWS की प्रायोरिटी में जो है ना इसको दे जाए जो गांव के मूल निवासी हैं उनको इसकी सुविधा प्रदान की जाए तो मेरा सुविधा कि इसमें यह भी ऐड कर दिया जाए जहां आपने लिखा है कि अपार्टमेंट ऑनर्स पब्लिक रेजिडेंट्स इसके अलावा इसमें एक मेरे सबमिशन है कि गांव के मूल जो EWS कैटेगरी के हैं उनको भी ऐड किया जाए नाम उनको प्रेफरेंस दिया जाए ताकि उन लोगों का भी कम कीमत पे वो अपना गुजर क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है वो कहाँ जाएंगे नेक्स्ट आपका जो सजेशन है उसमें आप मॉडिफाई करने जा रहे हैं कि नॉर्थ फॉर लैंड पूलिंग एंड डेवलपमेंट कंट्रोल रूम्स इसमें जो है ना आपने लेकिन आपने जो है ना फार्मर्स को जो है ना इसमें इंक्लूड नहीं किया फार्मर्स की भी तो लैंड दो तीन सेक्टर में पड़ती है तो फार्मर्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाए कि वो अपनी ले रहे जैसे कि DDA अपनी लैंड को जो है ना क्लब कर रही है दूसरे दूसरे सेक्टर में तो इसमें जो है ना फार्मर्स को भी सुविधा दी जाए मेरी चार सेक्टरों में जमीन पड़ रही है मुझे मैं तो डिप्राइव हो गया उस फैसिलिटी से तो मुझे भी क्लब करने का मौका दिया जाए जी जी ये ऑलरेडी यादव जी ने भी ये पॉइंट उठाया था प्लीज सर नेक्स्ट पॉइंट सर हाँ नेक्स्ट पॉइंट ये जो है ना जी इसमें जो प्लॉट का जो है ना आपने इसमें दिया है प्रोविजन उसमें जो है ना मेरा सबसे मेन ये थी कि गांव के किसान की मूलभूत जिंदगी जो है ना खेती बाड़ी और उसके पशुपालन से होती थी और आज 50 साल पहले 71 में चकबंदी हुई थी उसके बाद चकबंदी नहीं लोगों के पास रहने की जगह नहीं बची और उनकी खेती बाड़ी भी चली गई उनका पशुपालन का धंधा भी चला गया तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उन जिन लोगों के जीवन यापन के लिए जो ये प्लॉट्स की सुविधा आप 100 मीटर से 300 मीटर की दे रहे हैं इनको सुविधा उन फार्मर्स को दी जाए प्रेफरेंस के तौर पे मिक्स लैंड यूज है वर्टिकल मिक्स लैंड यूज आप कर रहे हैं इसमें आपका प्रोविजन भी दिया है तो क्यों ना उस फार्मर्स को भी मिक्स लैंड यूज का सुविधा दी जाए 100 मीटर से 300 मीटर के उसके प्लॉट दिया जाए गाँव के नजदीक
चकबंदी की समस्या भी हल हो जाएगी, क्योंकि चारों तरफ से डिमांड चकबंदी की भी आ रही है, लेकिन कंसोलिडेशन एक्ट का इसमें प्रोविजन दिया नहीं है। तो मेरा ये सबमिशन है जी कि 100 मीटर से 300 मीटर के प्लॉट मिक्स लैंड यूज करने के लिए फार्मर्स को दिए जाए उसकी अपनी जमीन से, ना कि गवर्नमेंट की जमीन से, ना जो अब तो वो कम से कम गरीब आदमी अपने दो कमरे बना के अपनी पशुपालन तो पाल सकता है ना वहाँ मिक्स लैंड यूज। आपका ये पॉइंट, आप नेक्स्ट पॉइंट पे आ सकते हैं अगर आपका कोई और नेक्स्ट पॉइंट है तो। मैं जी बोल रहा हूं, आप इसमें जो है ना, आप मुझे मौका तो दीजिए ना कि इसमें आपका जो है ना डीडीए जो है ना धरातल पे जाने की कोशिश करें ना, कि आपने सेक्टरों को तो दे दिया जी सेक्टर में, अब सेक्टर में डेयरी पालन नहीं हो सकता, गाँव से गाँव गाँव का किसान कहाँ जाएगा, वो तो भूखा मर जाएगा, उसके पास रोज रोटी। सर पॉइंट ले लिया आपका, ये कंसीडर कर लिया, इसीलिए बोल रहे हैं, आप अगला पॉइंट बताइए। नेक्स्ट पॉइंट ये जी, आपने आइसोलेटेड लैंड के पार्सल के लिए पहले ऐसा कुछ नहीं था कि 18 मीटर पे ही होगी, लेकिन आप कंडीशन लगाने जा रहे हैं कि आइसोलेटेड लैंड 18 मीटर के उस पे ही होगी, तो इस कंडीशन को जो है ना ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है और इसको जो है ना खत्म किया जाए। अच्छा, इसके अलावा आपने 19.7 में लिखा है कि कंपनसेटेड जो ट्रेडेबल एफआईआर का कंपनसेशन होगा, यहाँ नहीं तो वहाँ होगा, इस इनको आप डिलीट कर रहे हो। तो अगर मेरी जमीन कहीं पूरी नहीं होती है तो मुझे ट्रेडेबल एफआईआर का प्रोविजन तो मिलना चाहिए ना, ये आपके विजिल प्रिव्यू में ही है, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी में है और आपके सजेशन ऑब्जेक्शन में ही है, मैं उसके बाद बात नहीं कर रहा, ये आप उसको डिलीट करने जा रहे हैं। तो ये डिलीटेड क्यों किया जाए, उसको कंपनसेट तो करो ना, उसकी जमीन तो पूरी करो के दोगे ना जी, आप कहाँ दोगे, ट्रेडेबल एफआईआर से दो या किसी भी दो, आप इसको डिलीट कर रहे हैं। तो मेरा इस समय ये है कि इसको जो है ना, अच्छा दूसरा मेरा सबसे मेन क्वेश्चन ये है जी कि आप सिटी के अंदर तो 400 एफआईआर दे रहे हो और गरीब किसानों की जमीन जा रही है उनको 200 एफआईआर दे रहे हो, तो ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए ना। तो आपके आपके इसमें ही प्रोविजन दिया गया कि रेजिडेंशियल भी 200 एफआईआर देंगे, मैं उसमें बात कर रहा हूँ, तो इस 200 एफआईआर की रेस्ट्रिक्शन इन गरीब किसानों के क्यों है, एक जो पूंजीपति लोग हैं जिनकी इंडस्ट्रियल जमीन थी उन्होंने रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कर दी, हाउसिंग सोसाइटी बना दी, उनको 400 एफआईआर दे रहे हैं, डीडीए दे रही है, खुद डीडीए की नोटिफिकेशन है अभी रिसेंटली किया है, लेकिन गाँव के गरीब किसान हैं क्योंकि ये मर जाएंगे अपने औने पौने दाम में दाम बेच जाएंगे, बिल्डरों का फिर फायदा होगा, डीडीए को फायदा होगा। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको इक्वल ट्रीट किया जाए, ना कि दिल्ली में 4 रेट हो। एक साइड तो जी सर, हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है जी ग्राम सभा, मेजर इशू ग्राम सभा का, ग्राम सभा मींस ग्राम सभा का जो अडल्ट मेंबर इसका मेंबर है, पीडीएस की जो है ना डी बनने जा रही है, डी में कंडीशन है कि वो लैंड ओनर से इसकी कंसल्ट लेके यूटिलाइज करेंगे, तो इसमें इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसमें लैंड ओनर्स गांव के ही ग्राम सभा के मेंबर हैं, जो ग्राम सभा के मेंबर हैं वो ही लैंड ओनर है, आपकी पॉलिसी में क्लियर लिखा हुआ है कि डी एक एग्रीमेंट करेगा विद द कंसेंट ऑफ द लैंड ओनर्स, लेकिन इसमें डीडीए ने लैंड ओनर्स के लिए डी के लिए अपने वो कर ली, क्योंकि डीडीए जो है ना मालामाल होगी, 40% जमीन पहले ही ले ली, उसको कोई पैसा दिया नहीं। Yes, sir, point well taken, sir. मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि इस हियरिंग में ये सारी चीजें नहीं होती, अगर ये फिजिकल मीटिंग होती है उसमें प्रेजेंटेशन प्रॉपर होता तो एलजी साहब को भी वीसी साहब को भी ये चीजें दस की, लेकिन वो वहां तक ये चीजें ग्राउंड लेवल की नहीं जा रही है, सिर्फ बंद इसी कमरे में बैठ के पॉलिसियां बन रही हैं, ग्राउंड लेवल पर नहीं जा रही है, ग्राउंड लेवल पर इसकी सेमिनार हो, लोगों के व्यूज लिए गए पूरी पॉलिसी पे, आज 4 हेड पे आपने मुझे फिर कर दिए, कल 4 हेड पे फिर ले आएंगे, फिर 5 हेड पे फिर ले आएंगे, ये तो चलता रहेगा 2013 से लेके आज 2021 आ रहा है। आपका कोई और मुद्दा है अगर स्पेसिफिकली पब्लिक नोटिस के संदर्भ में, प्लीज सर वो उस पे बताइए। हाँ, सर इसके, इसके इसके बारे में, ग्राम सभा के बारे में सर मैं कह रहा हूँ कि ग्राम सभा की जो लैंड डीडीए जो है इसमें यही मेरा ऑब्जेक्शन है कि ग्राम सभा की लैंड डीडीए बनने जा रही है, बनो हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन उसका लैंड ओनर्स ग्राम सभा के मेंबर है, उनके साथ एग्रीमेंट करे डीडीए तब जाके इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। आप ये मेरा सर पॉइंट वेल टेकन, सर ये पॉइंट हो गया क्लियर, हमने इसको नोट कर लिया है सर, ये चेयरमैन साहब तक ये बोर्ड के मेंबर्स पर ये पॉइंट चला जाएगा, अगर इसके अलावा अगर आप कुछ और बताना चाहते हैं नहीं तो आई वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन प्लीज। इसमें जो है ना जी एक ये मेरा ये मुद्दा ये था जी,
ईडीसी किसान से ना ली जाए, थरू से मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम 40% जमीन दे चुके हैं। डीडीए हमारी 20% को ले लो ठीक है, 12% रोड में ले ली, 8% पीएचपी में ले ली, जस्टिफाइड हम मानते हैं, लेकिन 16% इंडस्ट्रियल, 4% जो है ना, 4% इंडस्ट्रियल, 16% रिक्रेशनल, इसको डीडीए बेच खा जाएगी। जमीन हमारी, स्टाम्प ड्यूटी हमारे से ले रहे हो, ईडीसी हमारे से ले रहे हो, 20% जमीन। मेरा सबमिशन है, रिक्वेस्ट है, और मैं इस माध्यम से आपकी बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के माध्यम से ये मुद्दा उठाना चाहता हूँ कि 16 या 20% में या तो हमारे से एडीसी लेते हो तो हमारी किसान की हिस्सेदारी हो उसमें। अभी पीछे जो है ना, दूसरे स्टेटों में भी हुआ है, जमीन गवर्नमेंट ने अक्वायर की है, उनको वो देते हैं, हर साल कंपनसेशन देते हैं, तो हमारी 20% जमीन 16% रिक्रेशनल में और 4% जो है इंडस्ट्रियल में, वो तो क्योंकि हमारे से ईडीसी भी ले ली, रोड के चार्जेस भी ले लिए, रोड की जमीन भी ले ली, और पीएसपी के लिए जमीन भी फ्री में ले ली, साथ में स्टाम्प ड्यूटी और ईडीसी और लगा दी। भाई किसान ने क्या गुनाह किया है? किसान तो पहले ही मरा पड़ा है, भूखा है। तो 16% और 4% जो डीडीए फ्री में हमारी जमीन ले रही है, उसके बदले में किसान को उसकी हिस्सेदारी दी जाए, इसके आपके प्रोविजन में ये 16% और 4%, मैं इसके प्रोविजन में। शुक्रिया सर, ठीक है सर, आपकी सजेशन बोर्ड को पहुंचा दी जाएंगी, थैंक यू वेरी मच। और इसके लिए एक फिजिकल मीटिंग और ली जाए, सिर्फ ये आई बात सर, फिजिकल मीटिंग संभव नहीं है, कोविड के प्रोटोकॉल के अंदर फिजिकल मीटिंग संभव नहीं है, आपने लिखित में दे दिया है, अगर आप अलग से आके मिलना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, आप आके मिल सकते हैं, लेकिन फिजिकल मीटिंग आज की डेट में संभव नहीं है। आप सब जानते हैं कि हम कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, और ऐसा कोई भी पॉइंट आपका नहीं है जो सुना नहीं गया या जो आपने लिखित में दिया है, वो कंसीडर नहीं। ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट, प्लीज सर, वी हैव ऑलरेडी, ओनली वन पॉइंट, ओनली वन मिनट। ग्राम सभा की 74-4 में 50 साल पहले जमीन अलॉट की गई थी, उनको मालिकाना हक नहीं दिया गया, लेकिन कब्जे में किसान के पास है और वो डिस्प्यूटेड है, कोर्ट में केस चल रहे हैं, 50 साल से लोग धक्के खा रहे हैं उस जमीन पर, वो बहुत जोर। थैंक यू सर, ये हमारे पब्लिक नोटिस के साथ लिंक नहीं है, आई एम सॉरी, मुझे आपको यहाँ पर इंटरप्ट करना पड़ेगा। ग्राम सभा की लैंड से, जी सर, ग्राम सभा की लैंड का पॉइंट हैज बीन वेल टेकन, द नेक्स्ट ग्राम सभा की लैंड पे जो लोगों के कब्जे में है उनको उसका जो है ना वो दिया जाए, ये ग्राम सभा की लैंड संबंधित है, आपने लिखा है इसमें ग्राम सभा डीई हो, तो अगर डीडी बन जाएगी तो जो हम 40 साल से बहुत जोर हमें अलॉट की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसका क्या होगा, हम तो सड़क पे आ जाएंगे, ये ग्राम सभा की आपकी प्रीव्यू में ही है, तो प्लीज इस पॉइंट को भी जो ना कमेटी बना के डीडीए इस ग्राम सभा की लैंड के बारे में कोई डिसीजन दे, इसमें प्रोविजन है कि कोई भी प्रॉब्लम आ गई कि कमेटी इसको डिसाइड करेगी। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल शुक्रिया। दीपक जी आप हैं क्या हमारे साथ, हमारे फर्स्ट स्लॉट में 11:15 बजे तक हमने 20 नाम दिए थे, अगर उसमें से कोई भी हैं जो बाद में ज्वाइन किए हैं और अपनी ऑब्जेक्शन सजेशन पेश करना चाहते हैं तो प्लीज आई रिक्वेस्ट देम, अदरवाइज वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लॉट। ठीक है, नेक्स्ट स्लॉट में सबसे पहले हैं 21 नंबर पे अंकित यादव जी, कमलजीत चावा, पारस तिवारी, मैडम पारस त्यागी, यस प्लीज पारस त्यागी जी, सॉरी आई प्रोनाउंस योर नेम रॉन्ग, यस पारस त्यागी जी। मैडम 5 सुझाव हैं इस जो आपने पब्लिक नोटिस निकाला था लैंड पुलिंग को लेके, सबसे पहले आपने जो 95 गांव घोषित किए हैं शहरी शहरीकृत और लैंड पुलिंग पॉलिसी आप यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, मैडम मेरा सुझाव है कि सबसे पहले आप इस बात को महसूस करें कि रैपिडली दिन प्रतिदिन जो एक इलीगल कंस्ट्रक्शन बोलते हैं दिल्ली में कच्ची कॉलोनी वो कटती जा रही है, इस पर बहुत सी कंप्लेंट शिकायतें आपके डीडीए को भेजी गई जहाँ से सिर्फ एक जवाब आता है कि इसका ध्यान एसटीएफ रखेगी। मैं नहीं जानता मैडम एसटीएफ की जो आपकी रिपोर्ट आज ट्विटर पर अपलोड होती है उसमें आप दिखाते हैं कि दिल्ली के सिटी में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन को आप डेमोलिश कर रहे हैं, बट जो नोटिफाइड एरिया है डेवलपमेंट एरिया वहाँ पर जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है उसके लिए क्या डीडीए ने कोई ऑफिशियल या फिर कोई टीम या फिर कोई एसटीएफ में कोई व्यक्ति डिजिग्नेट किया है जो देख रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे सब कच्ची ग्राउंडिंग कट गई तो फिर आप लैंड पुलिंग कहाँ लेके आओगे। दूसरा मैडम सजेशन ये है कि जो अभी किसान या फिर जो भी व्यक्ति पिछले 1 घंटे में बताते आ रहे हैं अपने मुद्दों को,
कि बहुत सी परेशानियां हैं। मैं डीडीए को इतना बताना चाहता हूं कि खुद डीडीए ने 2 साल पहले ये एडमिट किया था कि 26,000 कंटेम्प्ट के केसेस डीडीए पे पेंडिंग चल रहे हैं लैंड मैटर्स को लेके। किसान कह रहा है उसकी ज़मीन है, डीडीए कह रहा है उसकी ज़मीन है। तो जब तक ये मैटर्स आप रिजॉल्व नहीं करेंगे उसके बाद कैसे आप एक्सेप्ट करते हो कि सेक्टरल डेवलपमेंट होगी? कंटेम्प्ट पे कंटेम्प्ट चलता जाएगा। कारण क्या है कि सिर्फ ज़मीन का ओनरशिप डिफाइन नहीं हो पा रहा है। कारण ये है कि ग्राम सभा की लैंड जो किसान बोल रहा है उसके हित में है, गाँव के हित में है, उस पर तो कब्जे भी हो रहे हैं। तो डीडीए जब तक इन मैटर्स को रिजॉल्व नहीं करेगा आप कैसे एश्योरिटी दे सकते हो? ये पॉइंट्स अगर वेल टेकन है बड़ी अच्छी बात है, बट दे शुड बी यू नो समथिंग कुड बी इम्प्लीमेंटेड। लैंड पुलिंग की तो बहुत दूर की बात है, पहले आप इन मुद्दों को हटाने के लिए कुछ इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाएं। क्योंकि यू नो डीडीए हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग दिल्ली एज अ सिटी, फ्यूचर सिटी। फ्यूचर में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो, इज दिस व्हाट डीडीए वॉन्ट्स? मैं तो आपको साफ बता रहा हूँ कि जो मुद्दे आपके पास हैं मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। डीडीए ने 3 साल पहले एमओयू साइन किया इसरो से कि हम देख रहे हैं कि लैंड वेकेंट एरिया कितना है, अनवेकेंट एरिया कितना है। तो जब आपके पास टेक्नोलॉजी भी आ गई है, आपने पैसे भी खर्च कर दिए हैं, उसके बाद भी अगर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है तो हु रिस्पॉन्सिबल जी? पारस जी, योर पॉइंट्स आर बीइंग वेल टेकन, बट थैंक यू। दो पॉइंट हां मैम, मैं तो बस 5 पॉइंट्स बोलने थे, उसके बाद ऑब्जेक्शन की बात करूंगा। 3 पॉइंट हो गए। आप ऑब्जेक्शन के लिए बारे में ही बोलिए ना स्ट्रेट अवे। तो ऑब्जेक्शन मैडम यही है कि डीडीए ने जो मेंशन किए हैं अपने जो नोटिफिकेशन आया है कि यू नो 18 मीटर की रोड होनी चाहिए अगर हम कुछ वेकेंट एरिया छोड़ेंगे किसानों के पास, तो मैडम रोड्स का सबसे पहले आप देखिए ना कि रोड कैसी है वहाँ पे। अगर इतना आरओवे है ही नहीं किसान के पास तो वो कैसे एक्सपेक्ट कर पाएगा? बहुत मतलब डिफिकल्ट कर रहे हैं आप उनके लिए जो जीवन यापन चल रहा है उनका अभी। तो आई बिलीव मैडम जो आरओवे आपने डिफाइन किया है अपने इस नोटिफिकेशन में, दैट इज नॉट जस्ट, इट्स कम्प्लीटली इम्प्रैक्टिकल। एंड अगेन जो भी आपके सर्वेयर्स हैं या फिर आपने किसी और कंसर्न टीम को बोला है कि हमको आप यू नो जमीनी हकीकत व्हाट इज देयर ऑन द लैंड बताइए, तो उनसे बात कीजिए ना, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? समवेयर समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है सर, पॉइंट टेकन सर, आप उसकी जस्टिफिकेशन बताइए। ठीक है, की बात हो गई मैडम। हाँ लास्टली मैडम देखिए, जो विलेजेस 95 विलेजेस हैं उसमें हर विलेज की अपनी अपनी वेकेंट एरिया है। तो जो विलेजेस कम्प्लीटली लाइक कम्प्लीटली बिल्डअप स्टेट में है 99%, 98%, फॉर इंस्टेंस निलोटी, रनहोला, मुंडका, जहाँ पे बहुत सारा एरिया अब वेकेंट नहीं रहा जब आपने पॉलिसी लाए थे, और अब पॉलिसी एक तरह से किसी ऐसे स्टेज में है जो आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो आप इनको डीनोटिफाई कर दो। बिकॉज ये जो विलेजेस क्वालिफाई नहीं करेंगे वेकेंट एरिया के साथ एलपीपी में, तो ये 95 विलेजेस की पॉलिसी रखने की जरूरत नहीं है। एक हमने सोल्यूशन ऑब्जेक्शन में आपको भेज दिए हैं गूगल अर्थ के स्क्रीन शॉट्स, 23 ऐसे गाँव हैं जो वाकई में बनते नहीं है कि इनको आप यहाँ लैंड पुलिसिंग में लाना चाहिए। रोशनपुरा जिस गांव में 1% जमीन नहीं बची मैडम, उनको आप इन पॉलिसी में क्यों रख रहे हैं? ये मैं इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि जब तक आप ऐसा डेटरेंट इफेक्ट नहीं लाएंगे कि इन विलेजेस को हटा दिया गया है, जो बाकी गांव खाली पड़े हैं जहाँ ग्रीन फील्ड एरिया बचा हुआ है, वहां पर लोगों को इस बात की समझ नहीं आएगी ना कि हमको ये इलीगल काम नहीं करना चाहिए। अदरवाइज पॉइंट वेल टेकन, आप उसको आपके अगर सबमिशंस हो गए हैं तो ठीक है, अगर कोई और स्पेसिफिक पॉइंट है तो आप बता दीजिए। आपका पहला पॉइंट बहुत वैलिड है, वो हमने नोट कर लिया है। बस इसके बाद में लास्ट टू पॉइंट्स इज ऑल अबाउट विलेज डेवलपमेंट प्लान। आई बिलोंग टू अर्बन विलेज इन दिल्ली व्हिच वाज लैंड वाज एक्वायर्ड इन 1960s। व्हाटएवर रॉन्ग हैपेंड इन दोस अर्बन विलेजेस, डीडीए इज रिक्वेस्टेड टू डू नॉट रिपीट दोस मिस्टेक्स इन द न्यू डिक्लेयर्ड अर्बन विलेजेस। Of course, it is somehow... this is not directly related to my public notice, but the point has been noted and it will be conveyed to the board, sir. Thank you very much, sir. Thank you, miss. Ji, next is Devinder Singh and Mamraj Thakran. Ma'am, Ankit this side, actually my number is first, I just joined now. Can I speak? Yes, Ankit ji, please. Aapka serial number kya bata dijiye? First. आप क्या सोसाइटी स्कैम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सेकंड लोड का, अच्छा 21st। हाँ, ठीक है प्लीज बोलिए। तो मैम मेरा पॉइंट आपके जो हेडिंग है एक्सचेंज ऑफ लैंड यूज, इसके अंदर है, जिसके अंदर आपने बोला है कि डिफरेंट सेक्टर्स में अगर जो लैंड होगी वो डीडीए और कंसोर्टियम उनको अपने पास कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन हमारी जो किसान की लैंड है, जो हमारी लैंड है वो डिफरेंट सेक्टर में पड़ रही है, तो हम उसको कैसे कंसोलिडेट करेंगे, हमारे को बेनिफिट कैसे मिलेगा उस चीज का? तो ये उसके अंदर पॉइंट ऐड किया जाए, क्योंकि उसके अंदर दो ही पॉइंट है, कंसोर्टियम और डीडीए, फार्मर्स उसके अंदर एडिड नहीं है। और हेलो
यस सर आप बोलिए प्लीज, बोलते जाइए, आप सुनाई दे रहे हैं जी। तो मैम ये पॉइंट नोट किया जाए। और दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि आपकी हेडिंग है कि मिक्स ऑफ यूजेस वर्टिकल वर्टिकल लैंड के लिए, उसके अंदर मेरा पॉइंट है कि जो किसान की लैंड है 100 से 300 मीटर की, उसको गांव के आसपास ही उसको दिया जाए ताकि वो अपना कुछ काम उसमें कर सके, क्योंकि अगर वो चीजें नहीं होंगी तो किसान के पास कुछ और रोजगार बचेगा नहीं जब ये लैंड पूरी पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी। तो लाल डोरे के पास में किसानों को उसकी जमीन दी जाए 100 से 300 मीटर का, जो आपने पॉइंट मेंशन कर रखा है मिक्सेस ऑफ यूजेस के अंदर। जी अंकित जी, एनीथिंग एल्स अंकित जी? थैंक यू मैम, मेरे ये दो ही पॉइंट थे, आप इनको प्लीज नोट डाउन करके आगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू अंकित जी। नेक्स्ट अगेन आई रिक्वेस्ट मिस्टर देवेंद्र सिंह एंड ममराज ठकरान, अगर आपने ज्वाइन किया है तो आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज पवन कुमार एंड अमन डागर, प्रमोद यादव एंड जयविंदर डागर, सतीश कुमार अग्रवाल, दिनेश चंद्र मोहन। सतीश जी अभी आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हम उनका वेट कर लेते हैं। अगर आप आ गए हैं तो आप बोलिए, नहीं तो आप हम वेट करते हैं, बाकी पहले प्रेजेंट कर दें। सतीश जी आप बोल रहे हैं? ओम दत्त आप शायद फर्स्ट हाफ में कर पाए, कर दिए हैं ना रिप्रेजेंट। मैडम मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ। हेलो, आपके पॉइंट्स अगर वही हैं तो ओमदत्त जी फिर जरूरत नहीं है, वो आपके पॉइंट है मैडम। ऐसे सन 72 में चकबंदी हुई थी, उसके बाद वो प्लॉट नहीं कटे, गांव में आबादी बहुत ज्यादा हो गई है, तो ये जमीन सारी चली जाएगी तो किसानों को कुछ जमीन तो चाहिए अपने काम धंधा करने के लिए, तो गांव के सारे किसानों को प्लाट दिया जाए, उसकी जमीन को लगाया जाए मैडम। और 5 एकड़ की शर्त मैंने पहले भी रखी थी। और जो ये ग्राम सभा लैंड है, इसके गांव के अंदर बहुत ज्यादा गरीब तबका है, तकरीबन पहले उनका दिया जाए 60% गाँव वाले को EWS का प्लॉट दिया जाए, 40% आप बाहर किसी को भी दे सकते हैं। और जब हम 40% किसान जमीन आपको फ्री में दे रहे हैं तो हमारे EDC तो एक किस्म का शोषण होगा मैडम, ये EDC नहीं होनी चाहिए, ये हटाया जाए, हमारा रिक्वेस्ट है आपसे। हेलो जी ओमदत्त जी। हाँ यस ओमदत्त जी, आपके पॉइंट्स आपने ये पहले भी रखे थे, बिल्कुल दे नोट कर लिए और ये बोर्ड के समक्ष रखे जाएंगे। मैडम एक बात हो रहा है, हेलो मैडम, रिक्वेस्ट एक पॉइंट हो रहा है मैडम, रिक्वेस्ट है आपसे। जो सेक्टर 13 का अंदर से रोड दे रहा है वो जोड़ के अंदर से दे रहा है क्या, जो कि कायमी है, क्या ये आप रास्ता निकाल सकते हैं कायमी के अंदर से? मैंने लिखित में भी दे रखे हैं आपको, तालाब को आपको कैसे नष्ट करोगे? 185 मीटर रोड आपने तालाब के अंदर से दे रखा है, 182 नंबर जोड़ के अंदर से, सेक्टर 13-11 जो जोड़ रहा है पपराट के अंदर से जा रहा है मैडम, संभव है क्या जोड़ के अंदर से रास्ता दे सकते हैं 85 मीटर का? हेलो ठीक है जी, यस ओमदत्त जी प्लीज। ठीक है ओमदत्त जी, आपके पॉइंट्स आर वेल टेकन, थैंक यू वेरी मच। अभी कौन ज्वाइन किया है? आप अपना माइक, यस मैं बोल रहे हैं प्लीज, आप अपना नाम इंट्रोड्यूस करिए। नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही, आप लोगों ने क्या दो कनेक्शन ऑन कर रखे हैं क्या? अगर एक ही कमरे से दो कनेक्शन ऑन है तो आवाज नहीं आएगी, आपको एक कनेक्शन बंद करना पड़ेगा, एक पे बोलना पड़ेगा। नहीं सॉरी, आपको पूरा बंद करना पड़ेगा, दो कनेक्शन एक कमरे में ऑन होने से इको होता है, आपको एक ही कनेक्शन ऑन रखना पड़ेगा। हेलो
आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपके कमरे में आपने दो कनेक्शन ऑन किए हैं तो एक को पूरा बंद करिए, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। तो बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लें। आपकी प्रॉब्लम है कुछ मैडम, ये इनका लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है, दूसरा दोबारा ट्राई कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं सुनाई दे रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम। सर शुड आई कनेक्ट देम टू मोबाइल नंबर सर? डबल नाइन मोबाइल से कनेक्ट कर लीजिए, मोबाइल से कनेक्ट कर लीजिए। हम आपको मोबाइल पे कॉल कर रहे हैं, आप मोबाइल पे कर दीजिए, यहाँ का कनेक्शन बंद कर दीजिए। आपका नाम सॉरी, इनको मोबाइल पे कनेक्ट करो। नमस्कार सर। मैम मामराज, हेलो हेलो, मामराज नांगल ठाकरान से सर, सुन पा रहे हैं सर? तो आप अपना कनेक्शन बंद करके सबमिशन कर सकते हैं अपनी। यस प्लीज। नमस्कार मैडम जी, बोलिए। हाँ सतीश अग्रवाल जी, सबमिशन ये है मैडम, एक आपका सुनाई देना बंद हो गया मैडम, ये अभी सुनाई दे रहा था, अभी नहीं सुनाई दे रहा। वी हैव बीन गिवन एन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में 3000 स्क्वायर मीटर पे पीपल हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू रीडेवलप, व्हाई आर वी इन लैंड पूलिंग नॉट बीन गिवन दिस अपॉर्चुनिटी? अच्छा इज ओके सर। हेलो जबकि हमारे अग्रवाल जी, आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया अग्रवाल जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया, आप अगले पॉइंट पे चलिए प्लीज। क्लियर हो गया। दूसरा मैडम, जो दूसरा इशू है, 2018 के अंदर ये पॉलिसी आपने इसको इंप्लीमेंट करने ने डाली वेबसाइट के ऊपर, आज 2021 हो गया, मैं ये कहना चाहता हूँ इसके अंदर भी ये कब इंप्लीमेंट होगी? आपके जो भी मुद्दे आज इसको, या तो आप टाइम गेन करना चाह रहे हैं बार बार, 2018 से 2021 3 ईयर्स का गैप इसके अंदर हो गया है और अभी तक पॉलिसी जमीन पे नहीं आई है। आप इसमें जो भी आपने सत्य आपने रखी ईडीसी वीडीसी जो भी चीजें हमने सबको एक्सेप्ट किया, आपको मालूम होना चाहिए इसमें 33,000 करोड़ रुपया आम आदमी का लगा हुआ है और आप इसको फिर रिवाइज कर रहे हैं। जब पॉलिसी आप 2018 में रेगुलेशन लाए उसी टाइम इसको रिवाइज कर लेते जी। अग्रवाल साहब अगला पॉइंट, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। EM sir, I'll just bring to the notice the second point which he has raised is about the delay in the implementation. Yeah, अगला point बताइए अग्रवाल साहब। दूसरा मैडम, फ्लोर एरिया रेशियो से रिलेटेड हमारा है, हमारा FAR आपने 200 दिया, उसको 200 FAR के साथ आपने कहा जी आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वो आपने इसको नहीं माना। दूसरा अनऑथराइज कॉलोनी को आप 400 FAR दे रहे हैं, ठीक है, और डीडीए फैसिलिट करेगा, डीडीए इसको क्यों नहीं खुद करता है, इसको फैसिलिट करने के लिए खुद इसको एकोपाई करके इस प्रोजेक्ट को खुद चलाए डीडीए, हम ये चाहते हैं। अब दिल्ली में इतना मतलब लोगों में रोष पैदा हो गया है, आम आदमी इसमें कम से कम 200,000 लोग इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है जिन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ है, आपकी बात को मान के आपकी बात को सुन के अब 35,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर किया हुआ है
और लोगों को सोसाइटियों को परेशानी हो रही है, उन लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ना अपनी बात को रख पा रहे हैं वो। दूसरा, इसके अंदर 50% कोल्ड लैंड है, 55 का 53%। एक क्लोज और डालिए, इस क्लोज को हटाना चाहिए आपको, 53% को, 55 में 53% को इसको आपको रिमूव करना चाहिए। जहाँ 55% है उस पर दीजिए आप। हेलो, हाँ जी सर, हम सुन रहे हैं, आप आगे बोलिए। दूसरा, जो आगे जो नेट 55% है, नेट रेजिडेंशियल लैंड शुड बी इंक्रीज। हमारा इसमें कहना है कि लैंड रेजिडेंशियल जो है इंक्रीज होनी चाहिए इसके अंदर। आपने 55% की इसमें लिमिटेशन लगा दी है, ठीक है मैडम, जो हमने आपको भेजा हुआ है। दूसरा, ईडीसी का मेन मुद्दा है जिसको आप क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं बार बार, ईडीसी क्या होगी, ये मेन मुद्दे हैं। और टीडीआर के बारे में, टीडीआर सेल, आप टीडीआर के बारे में लिखा, हमने इसमें लिखा टीडीआर सेल भी इंक्रीज फ्रॉम द 500 to 1000 meter के अंदर, हमने इसके अंदर बोला है, इसके अंदर आप देखिए इसके अंदर। और दूसरा, मेरा सबसे बड़ा, सब चीजें ठीक है आपकी, लेकिन हमारा ये है कि इसमें ये इम्प्लीकेशन कब तक हो जाएगी। दूसरा, आपने जब दो सेक्टर कंप्लीट हो गए हैं आपके लैंड पॉलिसी के अंदर, 17 सेक्टर कंप्लीट है, उसमें कोई कार्रवाई आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को जवाब देना सोसाइटी को मुश्किल हो रहा है। और लैंड आपके पास 6000 square meter जमीन आपके पास हेक्टर आ चुकी है, डीडीए क्या चाहती है वो हमें बताए भी, डीडीए ये चाहती है आई विल, हम हमारी जितनी सोसाइटी है, फेडरेशन का 10 सोसाइटी है। अग्रवाल साहब, अग्रवाल साहब, पॉइंट वेल टेकन, ये बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। अगर इसके अलावा आपका कोई और पॉइंट है तो प्लीज सर आप बताइए, ये पॉइंट तो आपने बोल दिया है सर। जी, ईडब्ल्यूएस डीडीए कहते हैं कि हमें 50% दीजिए, अब आपको 50% क्यों दें, पैसा हम लगाएंगे, सब कुछ हम करेंगे, या तो आप हमारे साथ उसको इन्वेस्ट करिए, आप तब हम उसको देंगे। यही मैंने अपनी बात आप तक कहनी थी। शुक्रिया अग्रवाल साहब, आपकी बात पहुंच गई है, बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी। थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट नेम इज दिनेश चंद्र मुडगल, काइंडली बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लें, सिर्फ दिनेश चंद्र मुडगल जी अगर आपने ज्वाइन किया है। प्रवीण कुमार, सुधीर कुमार शर्मा, नमस्कार जी। नमस्कार, नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, मेरा नाम सुधीर शर्मा, मेरा नाम सुधीर शर्मा है और मैं नीलकंठ वादे वेलफेयर सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैडम, इसमें मैं थोड़ा 5 मिनट लूंगा आपसे, जरा पेशेंसली मेरी बात सुन लें, वो देखा जाएगा। मैं ये कहना चाहूँ, इसमें हमारी जो लैंड पूलिंग पॉलिसी थी वो 2013 में पहली बार नोटिफाई हुई थी। हेलो, आर यू हियरिंग मैडम? हम सुन, बिल्कुल सर आप बोलते रहिए, अगर हम नहीं सुन पाएंगे तो हम भी लैंड पूलिंग आपको बता देंगे। हमारी लैंड पूलिंग पॉलिसी 13 में सबसे पहले नोटिफाई हुई थी, उसके बाद 18 में इसकी अमेंडमेंट कर दी और 19 फरवरी में आपने विंडो ओपन करी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए। उसके बाद से करीब 2.5 से 3 साल हो गया मैडम और अभी तक टोटल रफली 7000 हेक्टेयर लैंड डीडीए के पास एक्यूमुलेट हुई है इस फ्रंट पर, आउट ऑफ 22,000 हेक्टेयर लैंड जो प्लान है आनी थी। सो रफली 25 से 30% प्रोग्रेस हुई है इस लैंड पुलिंग पॉलिसी की जब से बोला गया है। दूसरा, इसमें 109 सेक्टर डीडीए ने प्लान किए थे, उन 109 सेक्टर में से 7 से 8 सेक्टर ही है जिनके अंदर 70% लैंड आई है। उन 8 में भी डीडीए अभी तक कंसोर्शियम बनाने का लेटर नहीं दे पाई है। उसका साफ कारण यह है कि जो लैंड है वो एनकम्बरेंस फ्री नहीं है। एनकम्बरेंस फ्री मींस कि वो लैंड में शामिलात है, शेयरिंग में है वो लैंड। और डीडीए ने जो पॉलिसी बनाई है 70% कंटिग्यूस लैंड विद नो एनकम्बरेंस, ये शर्त तो मीट ही नहीं हो रही वहां पर। और जो तीसरी शर्त डीडीए ने रखी है 5 एकड़ लैंड की, अभी जो सेंसेक्स है दिल्ली का, इसके अंदर एवरेज किसान के पास 2 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन वो कैसे पूरी करेगा। आप कहेंगे कि साहब आप जॉइंट वेंचर कर लीजिए, अभी जॉइंट वेंचर करने में भाई भाइयों में तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो 4 लोग मिलकर के कैसे जॉइंट वेंचर करेंगे। ये पॉलिसी के अंदर जो 80% किसान है
उसके पास दो एकड़ से कम जमीन है और इस पॉलिसी में 5 एकड़ से ज्यादा जमीन चाहिए। फिर आपने इसको जो कंसोलिडेशन का फार्मूला बनाया उसके अंदर पहले जोनल था, जोन के अंदर एक जोन में 40 गांव थे, कहीं भी जमीनें कंसोलिडेट हो जाएगी। अभी आपने सेक्टर बना दिया, बड़ी अच्छी बात की सेक्टर बना दिया। अब एक गांव में 4 सेक्टर बना दिए और भी अच्छा हुआ, छोटे छोटे सेक्टर बन गए 250 एकड़ के। लेकिन उसमें हुआ क्या कि जिस आदमी की 5 एकड़ भी जमीन थी, पहली बात तो 5 एकड़ जमीन के किसान मुश्किल से 10% है, इससे ज्यादा नहीं है। 90% किसान 2 एकड़ से कम जमीन के हैं। अब जो 10% किसान भी हैं जो 5 एकड़ से ज्यादा जमीन के हैं, उनको आपने 4 सेक्टर में डिवाइड कर दिया और कंडीशन ये लगा दी कि जहां 5 एकड़ होगी वहीं आपको पीस ऑफ लैंड मिलेगी, अदरवाइज आपको FAR मिलेगा, उसके ऊपर ट्रेडेबल FAR मिलेगा। अब ट्रेडेबल FAR को एक किसान के पास जिसके पास जमीन है, एक बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, बहुत ज्यादा होशियार आदमी नहीं है, उसके बाद 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन है, वो लेकर के DDA के पास जाएगा, DDA उनको एक FAR ट्रेडेबल FAR का सर्टिफिकेट दे देगी। अब इस सर्टिफिकेट को लेके वो कहाँ जाएगा, किस किस के पास जाएगा? एक तो जमीन से गया, अब वो सर्टिफिकेट को लेके DDA की लोगों की अपनी मर्जी है, उससे वो ट्रेडेबल FAR खरीदे, कोई नहीं खरीदे, किस भाव खरीदे, कब खरीदे। तो जो किसान है बेसिकली, अगले पॉइंट पे चलिए, मैं आ रहा हूँ मैडम, किसान जो भूमि हर था वो भूमिहीन हो गया और उसके पास एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को वो लेकर के घूम रहा है एक जगह से दूसरी जगह। दूसरा, आपने इसमें एक नया कंडीशन 18 की पॉलिसी में ला दी, कंसोर्शियम बना दिया। अरे DDA की क्रेडिबिलिटी है दिल्ली के अंदर, पिछले 40-50 साल से DDA ने दिल्ली को ग्रूम किया है, इसी को लेकर के 13 की पॉलिसी बनी थी और उसी की वजह से लोगों में काफी उत्साह आया था और बहुत सारे लोग लैंड पुलिंग पॉलिसी के अंदर पार्टिसिपेट किए थे। 18 के बाद में लैंड सेल परचेज तो बंद ही हो गया क्योंकि 18 की पॉलिसी बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है पब्लिक के, 13 की पॉलिसी फ्रेंडली थी। उसमें जो आपने कंसोर्सियम में, आपको मैं एक चीज जानना चाहता हूँ आपसे, आप 250 लोगों का एक ग्रुप बना देंगे, वो उस पूरे सेक्टर की लैंड को डेवलप करने के लिए फाइनेंस कहाँ से लाएगा? उन लोगों में सहमति कैसे बनेगी? वो सब लोग एक सुर में कैसे बात करेंगे? 4 भाई तो एक सुर में बात कर नहीं पाते मैडम। अभी जो DDA का रोल था इसमें डेवलपर का, DDA ने डेवलपर की जगह फैसिलिटेटर का रोल सेलेक्ट कर लिया। ये DDA ने तो अपना काम कर लिया, बट ये मरा हुआ सांप पब्लिक के गले में डाल दिया जो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। ये पॉलिसी ग्राउंड में अगले 10 साल भी नहीं चल पाएगी, आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड। जिस तरह के टर्म्स इस पॉलिसी में कंसोलिडेशन को लेके है, कंसोर्शियम को लेकर के है, FAR का जब 400 FAR था 13 की पॉलिसी में, आपने इसको 200 कर दिया। हर जगह आप 400 दे रहे हो, यहाँ क्यों 200 कर रहे हो? और फिर EDC, एक सेकंड मैडम, EDC आप अनऑथराइज कॉलोनियों में तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सुपर डाल रहे हो, सड़कें बना रहे हो, मतलब इन्हीं लोगों के, इन्हीं किसानों से ही आपने EDC का चार्जेस लेना है 2 करोड़ पर एकड़। ये बहुत अनजस्टिस है यहाँ के लैंड ओनर्स के लिए और स्मॉल फार्मर तो इस पॉलिसी के अंदर मर गया है। ये लैंड पूलिंग पॉलिसी फार्मर के लिए नहीं है, ये लैंड पूलिंग पॉलिसी किसके लिए है? शायद वो प्लेयर अभी आए नहीं है अभी तक, और ये तब तक ड्रैग होती रहेगी जब तक रियल प्लेयर नहीं आ जाते, ऐसा हमको आभास होता है। क्योंकि हमने 13 में जो जमीन खरीदी थी 13 की पॉलिसी के बेसिस पर 14 में, उस समय जमीन हमने 3.5 करोड़ पर एकड़ के हिसाब से खरीदी थी, आज जमीन का रेट 2 करोड़ पर एकड़। प्लीज, आपका पॉइंट वेल टेकन है, आप टेकन नहीं हुआ। 13 की पॉलिसी के बाद 18 में नेगेटिव सेंटिमेंट कर दिया इस पॉलिसी ने, जो 18 के प्रोविजन है इन्होंने सारे सेंटिमेंट को नेगेटिव कर दिया। उसके लिए मेन जिम्मेदार है कंसोलिडेशन फार्मूला, कंसोर्शियम फार्मूला, ये जिम्मेदार है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब DDA ने 40% अपने लिए रखा है, इस 40% का क्या डिवीजन है? इसका है रिक्रेशनल 16% होगी, PSP 8% होगी, इंडस्ट्रियल 4% होगी, 12% रोड के लिए होगी और टोटल 40% होगा। ये 40% जो इंडस्ट्रियल है इसमें DDA की क्या इन्वेस्टमेंट है? DDA की तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अभी की जो पॉलिसी है आपकी 18 की, उसमें आप जो EDC चार्जेस ले रहे हैं वो पूर्ण लैंड पर ले रहे हैं, मतलब 100% लैंड, आदमी जिसके पास लैंड है 100 गज लैंड है वो 40 गज तो लैंड देगा आपको पहले, फिर उसमें से जो डेवलपमेंट चार्ज देगा 100 गज का, जबकि 40% तो आपके पास रहने वाली है उसका भी डेवलपमेंट चार्ज वही देगा।
मतलब गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है इसमें करने के लिए, सारा काम पब्लिक ने डाल दिया। हेलो लेकिन हमने नोट कर लिया है, अब इसका ब्रेकअप तो सुन लीजिए। 4% जो इंडस्ट्रियल है, 4% इंडस्ट्रियल आप ऑक्शन करेंगे, आप ऑक्शन करेंगे, इसमें जमीन किसकी है? किसान की है। पैसा किसने दिया है डेवलप करने का? किसान ने दिया है। और इसकी जो रिटर्न मिलेगी वो किसको मिलेगी? डीडीए को। किस लिए? दूसरा रिक्रेशनल 16% इसमें जमीन आपने दी है। इस 16% के अंदर भी आप ऑक्शन करेंगे, इसकी डेवलपमेंट किसान के पैसे से होगी, जमीन किसान की होगी और इसका बेनिफिट डीडीए को मिलेगा। केवल जो रोड एंड सर्कुलेशन का 12% फैक्टर है वो समझ में आता है, और ये पब्लिक पीएसपी का 8% है, इसके अंदर भी डीडीए ने ऑप्शन जरूर करना है। दूसरा मेरा ये पॉइंट है मैडम। तीसरा पॉइंट मेरा मैडम ये है कि जो जमीन का 60% आप देंगे, उस 60 का 53% फिर ग्रॉस होगा, उस 53% ग्रॉस का 55% नेट होगा। अगर मैं 100 मीटर का प्लॉट देता हूं डीडीए को तो मुझे 29 मीटर जमीन मिलेगी, और मैं 100 मीटर का एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज दूंगा और 29 मीटर जमीन पर 200 एफआर मिलेगा। ये क्रक्स है। आपने ये पॉइंट ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, ये पॉइंट बोर्ड के समक्ष आ गया है, उसका आपकी रिटर्न सबमिशंस में भी ये है। अब मैं आखिरी में ये कहूंगा, ये पॉइंट जब 18 की इसी तरीके की बोर्ड मीटिंग हुई थी, वी हैड गिवन दिस सजेशंस इन प्रायर टू दैट 18 पॉलिसी जो 18 अक्टूबर में आई थी, बट बोर्ड ने उन सब चीजों को रिजेक्ट कर दिया और पॉलिसी 18 में आ गई। आज भी मुझे उम्मीद है कि इन सारे पॉइंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपने जितने सजेशन मांगा है उतने पर ही अगर कोई सजेशन होगा तो लेंगे, और इसके अलावा रिजेक्ट हो जाएंगी सब चीजें। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ मैडम, माय एज इज 62 इयर्स, विद फुल कन्विक्शन आई एम सेइंग दिस पॉलिसी इज नॉट गोइंग टू सर्व एनी पर्पस अनलेस इसके अंदर मेजर चेंज इसके ये फ्रेंडली नहीं होगी लैंड ओनर के, किसान के, तब तक ये पॉलिसी सेल नहीं कर पाएगी। 10 साल हो चुके हैं, 10-12 साल और 10-20 साल चले जाएंगे, हमारे बच्चे इस पॉलिसी पर काम करेंगे। आपने तो 41 के मास्टर प्लान में इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया है, अब 21 का मास्टर प्लान तो है नहीं मैडम, आपने तो 41 के मास्टर प्लान में रख दिया। मैं सोचता था 19 में कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी जब 13 में नोटिफिकेशन हुआ था। अब तो 41 के ग्रैंड ऑलरेडी प्रोजेक्ट को देखेंगे। मामराज हेलो यस प्लीज आप बोलिए मैडम। गुड टू हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस यू नो कॉन्फ्रेंस, but only thing that I would request, I mean most of the points have already been covered by Mr. Sudhir Sharma, and I would re-emphasize the same thing, so I don't want to repeat it, and it can be taken as the joint presentation by Mr. Sudhir Sharma and myself, and also on behalf of the other federation as well as the other societies. Now the only thing that has come to my point after hearing some of the people's objections that has been presented here, if you see the EWS is on that particular point, something struck me which is not there in my representation which I have given to you, is that the EWS madam sir hello, we can hear you bataiye ma'am humne जमीन पूल करा दी मामराज जी, आप एक मिनट चुप कर जाइए, गणेश जी बोल रहे हैं, पहले उनको खत्म करने दीजिए, आप रुक जाइए मामराज जी। यस मिस्टर गणेश, यू वर सेइंग समथिंग अबाउट द ईडब्ल्यूएस पॉलिसी सर, प्लीज गो अहेड। मिस्टर गणेश इफ यू कैन हियर मी, यू वर सेइंग समथिंग अबाउट द ईडब्ल्यूएस पॉलिसी। Maybe we can connect with Mr. Ganesh later. Yes, Mr. Mamraj, आप बताइए। मामराज जी बताइए आप, प्लीज बोलिए। जी मैम, हमने गुमराह हो गए, जमीन पूल करा दी,
लेकिन पता चला कि किसानों से ये टर्म्स और कंडीशन पूरा नहीं होगा। प्लीज इसका प्रोसेस बताएं कि हम अपनी जमीन वापस कर सकें, क्योंकि हम ये टर्म्स एंड कंडीशन पूरी नहीं कर पाएंगे। जी शुक्रिया, आपके सजेशन, आपके सजेशन हम बोर्ड के समक्ष रख देंगे। जी बोलिए। और दूसरा पॉइंट है मैम, शुरू से अंत तक अगर ये होती है तो उसमें साइनिंग अथॉरिटी किसान होना चाहिए। तीसरा, ईडीसी चार्ज नहीं दे पाएगा किसान। चौथा पॉइंट है मैडम, जब किसान की जमीन ली जाए तो उसको मासिक भत्ता क्या दिया जाएगा कि उसके परिवार का गुजारा हो सके। जी, और किसान को टाइम बाउंड ना किया जाए। मैडम ये चार पॉइंट है मेरे, प्लीज। शुक्रिया जी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। नमस्कार राजीव यादव जी। इसके साथ ही हमारा सेकंड स्लॉट खत्म होता है। अगर कोई सेकंड स्लॉट में किसी ने लेट ज्वाइन किया है और वो कुछ सबमिशन करना चाहते हैं तो प्लीज आप बोल सकते हैं। दिनेश चंद्र मुदगल। आप प्लीज बोलिए और बाकी लोग अपना माइक बंद रखिए प्लीज। मैं होम मल्टीस्टेट से ज्वाइन हो रखे हैं, हमारा नंबर नहीं आया अब तक। मैडम मैं आपका जो प्रपोज अमेंडमेंट 90.3 है आपका चैप्टर, उसमें मेरा ऑब्जेक्शन है कि जिसमें प्रपोजल है डीडीए को डी बनने के लिए, तो मैं उसको ऑब्जेक्ट करता हूँ। डीडीए इज नॉट डी ओनली फैसिलिटेटर, डीडीए कैन नॉट इंटरफेयर इन आवर ओनरशिप डेवलप ईडब्ल्यूएस यूनिट्स। मेरा दूसरा है 19.4 का 2 जो है, कल्बिंग ऑफ डीडीए शेयर इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल कंसोर्टियम फॉर ओनर डेवलपर ऑफ द सेक्टर एंड कंसोर्टियम हैज ए राइट टू हैंड ओवर डीडीए शेयर। जी मैडम, देन इसी का 19.4 का 5 है जो एफएआर शुड बी इंक्रीज्ड। दूसरा, नेट रेजिडेंशियल लैंड शुड बी इंक्रीज्ड एज 55% इज वेरी लो। ये नोट हो रहे हैं मैडम? हेलो, बिल्कुल नोट हो रहा है सर, बिल्कुल आप बोलिए। अच्छा, इसी के अंदर 19.7 इस लिमिटेड आपको डिलीट कर देते हैं। पूरा एडिशनल डेवलपमेंट कंट्री के बारे में बात था, परमिटेड वेरिएशन इज एप्लीकेबल एफएआर एट सेक्टर लेवल, तो इसमें जो है यही चाह रहे हैं कि रेजिडेंशियल एफएआर नॉट बी बिलो पीएसपी, नेट रेजिडेंशियल लैंड टू बी कंसीडर्ड एज 60% ऑफ ग्रेस रेजिडेंशियल लैंड, दैट इज 53% ऑफ पूल्ड लैंड। और ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं एफएआर जो है ईडब्ल्यूएस के लिए जो इंक्रीज है वो शुड बी इंक्रीज फ्रॉम 15% to 20% फॉर प्रोविजन ऑफ ईडब्ल्यूएस हाउसिंग सो दैट होमलेस पीपल मे बी इनहेबिटेटेड। DDA is a facilitator as per land policy. DDA should not participate as DE, जो हम पहले से कह चुके हैं, in the land pooling policy. It is requested that DDA should not participate the entire pooled land as per notification 5th September 2013. As per land pooling policy, consortium main developer of the entire sector, including DDA share and Gram Sabha land. Consortium should also be a part of Gram Sabha land. जहां तक पॉसिबल है हम कंसोर्टियम नहीं चाह रहे, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कंसोर्टियम बनाने में हेल्प करने की, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा है तो कंसोर्टियम को भी लैंड ग्राम सभा लैंड में शेयर होना चाहिए, क्योंकि वो हम सब की है, पूरे सेक्टर की है। 19.5 का 5B2A कॉरिडोर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ टीडीआर सेल बी इंक्रीज फ्रॉम 500 मीटर टू 1000 मीटर।
एरिया विद इन मास ट्रांजिट स्टेशन शुड बी इंक्रीज फ्रॉम 500 मीटर टू 1000 मीटर ऑल्सो कंडीशन 50% ऑफ द प्लॉट एरिया विद इन द रिसीविंग एरिया शुड बी डिलीटेड मैक्सिमम लिमिटेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ टीडीआर शुड बी इंक्रीज्ड द ओवरऑल चेंज इन एरिया ऑफ लैंड यूज इन द सेक्टर ड्यू टू यूज ऑफ टीडीआर शैल बी इंक्रीज्ड ये जरूर जरूर बढ़ाना पड़ेगा जरूरत के हिसाब से दैट द प्रोविजन मे बी डिलीटेड फॉर फ्यूचर नीड मिक्स्ड यूजेज ऑब्लिक वर्टिकल मिक्सिंग रिस्ट्रिक्शन ऑफ ओवरऑल एफएआर मे बी रिमूव्ड इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए दूसरा हम ये भी कहना चाह रहे हैं अभी आपने 1000 2000 3000 का इकट्ठा करके कच्ची कॉलोनियों को आपने अभी अप्रूवल दिया 400 एफएआर का तो हमें भी हमारी लैंड जो हमारे पास है 4-5 विलेजेस की लैंड हमारे पास जिसमें एक सेक्टर 18 में तो आई गई है हमें भी ये अप्रूवल दी जाए कि हम अपना 400 एफएआर के साथ हम भी वहां पे अपने मकान बनाए अपने लोगों के लिए ये मेरा हम्बल सबमिशन है और बाकी तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला है वो भी मैं रिपीट नहीं करूंगा तो मैं यही चाहूंगा कि हमें भी हमारी तो अर्बनाइज लैंड है और आप उनको दे रहे हैं जो कि अनऑथराइज लैंड है उन पे भी 400 एफएआर आप दे रहे हैं मिला के बना लीजिए ये पॉइंट नोट कर लिया सर ये बोर्ड के समक्ष रख देंगे सर थैंक यू वेरी मच जी शुक्रिया हेलो मैम राजीव यादव इंतजार कर रहा है कई घंटों से मैडम दो मिनट और मिलेंगे मुझे बोलने के लिए मैडम कैन आई स्टे टू मिनट्स हेलो अगर आपका कोई पब्लिक नोटिस के संदर्भ में है तो जरूर प्लीज पब्लिक नोटिस नहीं लैंड पूलिंग के संदर्भ में वो दूसरा बोलने लगा लैंड पूलिंग के संदर्भ में नहीं अभी आज जो हमारी पब्लिक हियरिंग है काइंडली क्योंकि बोर्ड की एक लिमिटेशन होती है बोर्ड सिर्फ वही चीज पे दे सकता है सजेशंस या फिर अपनी वो रिपोर्ट जो पब्लिक नोटिस में होता है उसके दायरे से बाहर बोर्ड सिर्फ नोट कर सकता है लेकिन उसकी पावर नहीं होती है तो इसलिए उसका कोई फायदा नहीं है और आपकी सबमिशंस आई हुई है जी मैं समझ गया मैडम बस एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए इसमें मेरा पॉइंट ये है कि जो हम लोग सेक्टर वाइज जो हमने प्लान बनाया है जो सेक्टोरियल प्लान बनाया है मैंने अभी पहले भी उसको बोला था कि अगर किसी किसान के पास 5 एकड़ जमीन भी है तो वो फ्रेगमेंटेड हो जाती है बिकॉज वो 4 या 5 सेक्टर में डिवाइड हो गई ये पॉइंट नोट कर लिया सुधीर जी ये पॉइंट नोट हो गया क्लबिंग की बात कर रहे हैं आप वी अंडरस्टैंड दैट ठीक है अच्छा मैडम लैंड पूलिंग नहीं लैंड फ्रेगमेंटेड पॉलिसी है समझ गए ठीक है अच्छा सुधीर जी आपका काफी हुआ ईएम सर कुछ बोल रहे हैं चेयरमैन अच्छा मैं कह रहा हूँ सर ये 27 नंबर मैडम ये जयविंदर डागर बहुत देर से बात करना ये मिस हो गया बीच में इनको बोलने दीजिए 27 नंबर जी जयविंदर डागर जी आप बोलिए प्लीज हेलो हेलो बोलिए सर आपकी आवाज आ रही है जयविंदर डागर जी आपसे हाँ मैडम नमस्कार बोलिए नमस्ते मैडम नमस्कार नमस्ते सर आप बोलिए आगे आपकी आवाज आ रही है चेयरमैन साहब ने भी बोला ये जो सुधीर जी ने 2-3 बातें बताई है ना आपको ये जो है किसान का दर्द की बातें बताई है आपको ठीक है 5 एकड़ जमीन किसी के पास नहीं है और जिसके पास 5 एकड़ जमीन है वो लैंड पूलिंग करना नहीं चाहता है समझ गए आप मेरी बात को दूसरा ये है कि जो ये एफएआर कम किया है आपने 400 एफएआर होना चाहिए और तीसरी बात ये है इसमें बिल्कुल आपसे निचोड़ की जो ये ग्राम सभा की जमीन पर डीडीए डाका मार रही है उससे लोगों में इतनी भ्रांति है आपका किसी भी बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता डीडी ये जो ग्राम सभा की जमीन है उसका मालिक कौन है उसका मालिक सरकार नहीं है ना ही उसका मालिक डीडीए है उसका मालिक है उस गांव का किसान मालिक है और उसको डीडीए अपनी प्रॉपर्टी बना रही है ये लोगों में इतना आक्रोश है इसलिए आपकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है 70% आदमी इस पॉलिसी के खिलाफ है जब तक इसमें आप 2-4 ये सुधार नहीं करोगे तब तक कोई आदमी भी आपकी पॉलिसी पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं पहली बात है एफएआर 400 करिए आपने सब जगह 400 एफएआर है दूसरा आपने एक ये प्लॉट का जो प्रावधान रखा है इसमें प्लॉट का जो प्रावधान है उसका एफएआर बढ़ाइए और
वैसे जमीन का एफआईआर बढ़ाइए और इसको कम से कम ज्यादा से ज्यादा आप 2 एकड़ कर सकते हैं। 5 एकड़ का जो किया है कि 5 एकड़ कहाँ से लेगा जमींदार? छोटा जमींदार लैंड पुलिंग में आना चाहता है, बड़ा जमींदार लैंड पुलिंग में नहीं आना चाहता। ये 2-3 बातें हैं। जब तक आप इस ग्राम सभा की जमीन को बिल्कुल गांव के हवाले नहीं करोगे, जब तक आपकी और गांव ग्राम सभा की जमीन अलग है, रास्तों की जमीन अलग है। हेलो जी, बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच, आपकी बात को नोट कर लिया। ये बहुत ये जो 2-3 ज्वलन मुद्दे हैं, इन पर जब तक डीडीए बिल्कुल क्लियर नहीं करेगी और फिर उसके बाद ईडीसी चार्ज जमींदार 1 पैसा भी नहीं दे सकता और ना ही देगा, ठीक है जी। और जी, सुधीर जी ने 2-3 बातें बताई हैं, ये बिल्कुल मैं ये सोचता था ये लोग भी मतलब वो हैं, लेकिन ये बहुत। हेलो डागर साहब, आपकी बात बिल्कुल सुन ली गई, बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी। और एफआईआर 400 करिए, ग्राम सभा की जमीन को गांव के साथ में छोड़ दीजिए, उस पर गांव का अधिकार है, उसको वो किसी तरीके से यूज करे, प्लॉटिंग करे या अपनी फैसिलिटी के लिए छोड़े, तब आपकी बात का कोई आदमी 70% 60% विश्वास कर सकते हैं, अदरवाइज कोई विश्वास नहीं करेगा। आपने जो ये शहरीकृत गांव किए हैं, उस गांव की तरफ से ग्राम सभा की जमीन पर हाई कोर्ट में लोगों ने रिट डाली हुई है डीडीए और दिल्ली सरकार के खिलाफ। ये जो सर, ग्राम सभा की जमीन है, ये गांव की प्रॉपर्टी है, जो कि आप इसको सर, अपनी समझ रहे हैं। नहीं नहीं सर, वो पूरा नोट कर लिया गया और वो बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अब हम रखा नहीं जाएगा, इसको करोगे तब होगा, ये नहीं होगा। ये पॉलिसी 20 साल तक ऐसे ही चलती रहेगी और इस जमीन पे जो है ना, अदरवाइज अन्य गल कॉलोनियां कट जाएंगी। डीडीए कुछ हेलो, थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच। हेलो, रघुनंदन चौहान बोल रहा हूँ। हेलो, कौन बोल रहे हैं सर? यस, मैं रघुनंदन चौहान बोल रहा हूँ। मेरा मिस हो गया था पीछे। आपका नंबर क्या है प्लीज? ये 3-3 था मेरा जी। प्लीज आप थोड़ा संक्षिप्त में रखिएगा, आपने ऑलरेडी अपनी टर्न मिस की हुई है, बताइए। हाँ जी, मैं सिर्फ जो ना तीन चार पॉइंट्स हैं। एक तो ना इम्प्लीमेंटेशन का है कि इसको जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट हो, नहीं तो अनऑथराइज में कट जाएगा सारा ये। अच्छा, और नंबर 2 ये है कि जैसे हमारा सेक्टर है P2 जोन में, 2 नंबर सेक्टर है, उसमें 90% सबमिट हुई है जमीन। हेलो सर, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए, अगर नहीं आएगी हम आपको वापस बोलेंगे। हाँ जी, उसमें 90% लोगों ने सबमिट कर दी है। अच्छा, ये जो बीच में जैसे रह गई है ना, उसके लिए जो ना पार्ट में जो हुई है जमीन, उसको नहीं काउंट कर रहे, तो उसका तो पहले से पता था रेडियो के भी 70% जो बचेगी भी उसके लिए पॉलिसी बना के वो जल्दी मतलब इम्प्लीमेंटेशन का है मेन चीज, और कंसोर्टियम को सिंप्लीफाई किया जाए कि बिना कंसोर्टियम के 60-40 दे सकते हैं पहले, उसके बाद में कुछ रोल जो ना इजी रोल है ना दिया जाए कंसोर्टियम को। ये बहुत ज्यादा सारा कंसोर्टियम पे डाल देंगे तो वो नहीं मतलब हो पाएगा जी। शुक्रिया, ठीक है जी, थैंक यू सर। अब हम अपना थर्ड स्लॉट पे जा रहे हैं। थर्ड स्लॉट में पहले नंबर पे हैं अनुज मल्होत्रा, परोमिता रॉय एंड समीर शर्मा। हैज एनी ऑफ यू ज्वाइन प्लीज? सेकेंड इज परोमिता रॉय। परोमिता रॉय, हैव यू ज्वाइन? इफ यू हैव ज्वाइन यू कैन मेक योर सबमिशन प्लीज। आकृति किशोरी, राजेश यादव, धनंजय सिंह। राजीव यादव मैडम जी। राजेश यादव जी बताइए प्लीज सर। राजेश नहीं, राजीव यादव। 34 नंबर पे है राजीव यादव, 34 नंबर, ठीक है। राजीव यादव 34 नंबर। हेलो, हाँ मैं राजीव यादव बोल रही हूँ, क्या यादव है बताइए सर, बोलिए। हाँ मैं
देखो ये जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है ये आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा धोखा है दिल्ली के किसानों के साथ। इसमें आपने जो जो लिमिट तय की है वो बिल्डर और किसान के लिए दोनों के लिए एक एक लिमिट बना दी गई है। जैसा कि 5 एकड़ की लिमिट है पहली, दूसरा जो शर्त है डेवलपमेंट चार्ज का है, तीसरा 40% जमीन फ्री का है और चौथा है कंसोर्टियम बनाना। चारों ही शर्तों पर किसान खरा नहीं उतर रहा क्योंकि किसान के पास दिल्ली के अंदर 99.9% किसानों के पास 5 एकड़ जमीन नहीं है और जो 0.1% किसान बचा 5 एकड़ की जमीन का मालिक, उसकी जेब के अंदर डेवलपमेंट चार्ज नहीं है। डेवलपमेंट चार्ज कितना है? आपने 2 करोड़ को बड़े शातिर तरीके से मिटा दिया है जो कि 2013 की पॉलिसी में स्पष्ट रूप से 2 करोड़ पर एकड़ था। आपने ये बोल दिया है कि जो उस समय का विकास शुल्क होगा वो लिया जाएगा, तो क्या समझे हम 4 करोड़ रुपए पर एकड़ भी हो सकता है या 5 करोड़ रुपए पर एकड़ भी हो सकता है? अगर मोटा मोटी माने तो 2 करोड़ पर एकड़ के हिसाब से भी 5 एकड़ का जो 10 करोड़ डेवलपमेंट चार्ज बनता है वो किसान कहां से देगा? तो वो तो 1% किसान के लिए है, जबकि पहली शर्त पर 99.9% किसान आपकी पहली शर्त फेल हो गए। आपने कहा किसान के पास 5 एकड़ जमीन नहीं है तो आप उनका ग्रुप बना लीजिए। जब ग्रुप बनवाना था तो आपने रजिस्ट्रेशन की खिड़की क्यों खोल ली? और रजिस्ट्रेशन के लिए खिड़की खोल ली तो आपने पहले बोलना था कि किसान ग्रुप बनाकर अपना जमीन का रजिस्ट्रेशन कराए। आप किसानों के साथ चीटिंग कर रहे हैं। 21वीं सदी का भारत है, आप दिल्ली के किसानों को ऐसे धोखे में रखना चाहते हैं आपका ये डीडीए का डिपार्टमेंट। और एक बात और है, हमने 2015 में भी अपनी आपत्ति सुझाव में दिया था जब 48-52 की कैटेगरी थी और 40-60 की दो कैटेगरी थी। हमने तब भी ये कहा था कि भैया दो कैटेगरी बढ़ाओ, एक बिल्डर के लिए, एक दादालाई जमीन वाले किसान के लिए। आप 70% जमीन का रजिस्ट्रेशन मांग रहे हो, हम 1 घंटे के अंदर आपको 100% जमीन का रजिस्ट्रेशन देंगे। आप किसान से 5 एकड़ की शर्त को हटाओ, डेवलपमेंट चार्ज हटाओ, कंसोर्टियम की शर्त हटाओ और 40% फ्री में जमीन लेना। किसान 1 इंच भी फ्री में नहीं देगा, पानी की बोतल भी आज फ्री में नहीं आती। 40% जमीन ले लीजिए किसान की, उसका मुआवजा दीजिए, 60% जमीन बताइए। किसान को अगर बेचनी होगी तो बिल्डर से बेच लेगा, अगर उसको 1000 करोड़ में भी अपनी जमीन नहीं बेचनी होगी तो वो 60% ले लेगा उसी सेक्टर में, जिस सेक्टर में आप दोगे, जिस सेक्टर में आज उसकी जमीन है। हमारी जमीन 2 सेक्टर में हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी 2 सेक्टरों में 60-60% हो जाएगी। हमें 5 एकड़ की शर्त से मुक्त करिए। आपको बिल्डर और किसान में कोई फर्क नहीं नजर आया? आपने बिल्डर वाले सारे हमारे ऊपर नियम लाद दिए, आप पागल समझते होगा किसान को। हम 2015 से कह रहे हैं ये धरातल पर बिल्कुल भी संभव नहीं है। आए दिन अनोथ कनौलिया कटने लग रही है। 2007 में मास्टर प्लान आपने बना के तैयार की जो कि बनना था 2000 में, सन 2000 में बननी थी। जैसे आप 2041 की आपने 2021 में बनाई है ना ड्राफ्ट, 2000 में क्या कर रहा था डीडीए? 2007 में बनाई, 2004 में बनाकर 3 साल तक किसानों की जमीन की लूट हुई। किसी किसान को ये नहीं पता था कि रेजिडेंशियल एरिया घोषित हो चुका है, और आज आप किसान को पागल कर रहे हैं। प्लीज साइलेंट, मुद्दे की बात ये है, 2 कैटेगरी बनाओ इसमें, ठीक है, और ये भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। हम बैठे हैं, बीज नाश धरती पे हुआ नहीं है, समझे? 2 कैटेगरी बनाओ, किसान को सारी शर्तों से मुक्त किया जाए। किसान 40% जमीन देने के लिए तैयार है आपको, जो तकनीकी रूप से डीडीए को 40% जमीन चाहिए हम देंगे, उसका हमें मुआवजा चाहिए। 60% जमीन हम मिक्स लैंड यूज के रूप में यूज करेंगे। हमें सुन लीजिए, ये आप सुन लीजिए, आपकी जो बात, हाँ शुक्रिया, आप जो बातें रखी हैं बोर्ड के समक्ष पेश कर जाएंगी। थैंक यू, फाइनल में आ रहा हूँ, ये कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लिख के दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। हमने चेतावनी भी लिख के दी है कि किसान इस पॉलिसी को कोर्ट कचहरी में नहीं ले जाना चाहता, आप हमें माफ करो, आप इस पॉलिसी को धरातल पर लाइए। 100% जमीन किसान अपने रजिस्ट्रेशन कराएगा, किसान पे 5 एकड़ की लिमिट हटाइए, किसान पर डेवलपमेंट चार्ज हटाइए, 40% का उसको मुआवजा दिए, ठीक है, और कंसोर्टियम की शर्त आप बिल्डर पर रखिए।
किसान का स्मार्ट गांव बन गया। थैंक यू सर। किसान सुनो सर, आपकी बात ले ली सर, आपकी अगर बात किसान के खिलाफ डीडीए या शहरी विकास मंत्रालय कोर्ट जाता तो उसका तमाम हर्जाना खर्जाना हम डीडीए और शहरी विकास मंत्रालय से लेंगे। हम नहीं कर जाएंगे कोर्ट में। आप हमें पागल समझते हो? किसानों ने पूरे दाम में बेच दिया और फिर आप इस एफआईआर को 400 से बढ़ाकर 600 भी कर दो, 200 से बढ़ाकर। इसलिए ये धोखा बंद करो और मेरी बात अब समाप्त करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू जी। राजीव यादव, राजेश यादव, राजीव यादव, राजीव यादव बोल रहा था। राजीव यादव आपका हो गया। राजीव यादव जी आपका हो गया। हम राजेश यादव जी जो सीरियल नंबर 38 पे हैं, हम उनका नाम ले रहे हैं। अगर उन्होंने ज्वाइन किया तो ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। धनंजय सिंह जी जो 39 सीरियल नंबर पे हैं, बरखा शर्मा, सिमरन प्रीत, जिग्नेश मेहता, अक्षन भीड़े, आदर्श कपूर, सोमी चैटर्जी, आदर्श कपूर एंड रुतुल जोशी। सर हमारी बोर्ड ऑफ इंक्वायरी एंड हियरिंग 12:30 तक है। हमने सबके नाम लिए हैं, अभी ज्वाइन नहीं किया तो हम 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आप वेट करते हैं। हम एक बार फिर से रीअसेंबल होते हैं और जिन्होंने ज्वाइन किया होगा तो वो अपनी ऑब्जेक्शन पेश कर पाएंगे। तो 12:28 पे वी विल रीअसेंबल सर। ठीक है। थैंक यू सो मच। हेलो सर जी, कौन बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं प्लीज? अपना नाम बोल सकते हैं आप, कौन बोल रहे हैं? हम लोगों ने जिन लोगों के नाम लिए थे वो लोग थे नहीं। एक सेकेंड, आप कौन बोल रहे हैं जी? ये ले लो।
लेंगे। आवाज नहीं सुनाई दे रही मैम। आपकी आवाज आ रही है, आप कौन बोल रहे हैं? अच्छा मामराज जी हैं क्या? कौन बोल रहे हैं सर, प्लीज बताइएगा। कोर्ट ने 5 मिनट का ब्रेक लिया है क्योंकि हमने जब नाम अनाउंस किए थे किसी ने ज्वाइन नहीं किया था, तो हम लोग 12:28 पे रीअसेंबल कर रहे हैं। उस वक्त आपने जो भी अपना रखना होगा बोर्ड के समक्ष में आप रख सकते हैं। आवाज ही नहीं आ रही क्या? हेलो मैडम, मैम आवाज आ रही है? आप कौन बोल रहे हैं प्लीज? एनीबडी हु हैज जॉइंड, यू नो, जिनको सुनवाई नहीं हुआ है अपना नाम बोलिएगा प्लीज, और अगर आपकी सुनवाई हो गई है तो फिर आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए। ये तो हो गए पुराने पॉलिसी वाले सारे, ये हो गए हैं, इसमें सारे एमपीडी का भी ऐड कर दूंगा। Yes, please. Who's this? Okay, sir. We will take it on record, sir. We will show it to the chairman. We'll take it on record. Thank you very much, Itendra ji. डीडी के साथ थी मीटिंग। मैम हम जी बताइए सर, आप कौन बोल रहे हैं? जिसका नाम हमने लिया हो और उन्होंने अभी तक अपनी बोर्ड के समक्ष में रखा नहीं है तो प्लीज आप बताइए, अपना नाम लीजिए, अपना सीरियल नंबर बताइए ताकि बोर्ड आपको सुन पाए। जी मैं मामराज बोल रहा हूँ मैम। हमारी बोर्ड की मीटिंग 12:30 बजे तक है, हमने सबको स्लॉट दिए हुए थे, हमने सबसे रिक्वेस्ट किया है, सबके नाम हमने लिए हैं जिन जो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने बोर्ड के समक्ष अपने प्रस्ताव रख दिए हैं, वो तो मीटिंग छोड़ सकते हैं, और अगर कोई ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मीटिंग में और अपने वो व्यू पॉइंट नहीं रख पाए हैं या अपनी ऑब्जेक्शन सजेशंस प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है वो अपना नाम लें और प्रेजेंट करें, नहीं तो हम अगले 2 मिनट में बोर्ड ऑफ इंक्वायरी एंड हियरिंग की मीटिंग बंद करेंगे। जी मैं मामराज। आप तो मामराज जी, आप तो अपना प्रेजेंटेशन कर चुके हैं, आप तो सुन पा रहे हैं जी? हेलो सुन पा रहे हैं मैम? यस प्लीज बताइए आपका नाम। हेलो सुन पा रहे हैं मैम? बहुत अच्छे से सुन पा रहे हैं आप, बताइए।
आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। भाई ममराज जी आप बोलिए, हमें सुनाई दे रहा है, क्या कहना चाहते हैं बोलिए। सर ममराज जी ने तो ऑलरेडी अपनी प्रेजेंटेशन कर दी है। हाँ मुझे मालूम है, पर वो फिर भी कहना चाहते हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, बोलिए क्या आप बोलिए क्या कह रहे हैं। जी सर। ममराज जी बोलिए। मुझे लगता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है इनकी तरफ से, नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो कभी कनेक्ट होते हैं कभी नहीं। तो शैलेंद्र जी, ममराज जी आप सुन पा रहे हैं मेरे को? अच्छे से सुन पा रहे हैं आप, बताइए। हाँ जी मैम, ये था कि जो प्लान ला रहे हैं उससे पहले रिक्वेस्ट है कि लाल डोरा जो बढ़ाया जाए गाँव का, ये बहुत लोगों की मांग है मैम। लाल डोरा इंक्रीज किया जाए क्योंकि गांव में बहुत कंजेस्टेड हो चुका है, बिल्कुल भी रहने के लिए जगह नहीं है मैम। जी सर शुक्रिया सर आपकी ये बात। प्लीज प्लीज मैम आपसे रिक्वेस्ट है मैम, प्लीज सर ये मामराज मैम, थैंक यू जी, शुक्रिया जी मैम। सर विद दिस जी मैम, सर इट्स थैंक यू मैम, ठीक है शुक्रिया सर। इट्स 12:31, वी हैव कम टू द एंड ऑफ द बोर्ड, नो मोर पीपल हैव जॉइंड। So I think, sir, with your permission, EM sir, with your kind permission, if we can come to the, we can close the meeting of the board for today, sir. ठीक है, ठीक है, we'll let us close. Thank you everyone for joining. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you everybody. Thank you for organizing this meeting. Thanks.